इतना इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कोर्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हरप्पन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हरप्पन आर्ट. हरप्पन आर्ट विल बी अवर फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस यू नो ऑफ दिस कंपोनेंट व्हिच इज इन द नॉर्थन कल्चर. सो हरप्पन आर्ट इट्स नोन एज हरप्पन आर्ट. यू नो वी हैड अ फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन अराउंड 2500 बीसी अप टू 1700 बीसी. दैट सिविलाइजेशन इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दैट सिविलाइजेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन सिंस द फर्स्ट सिटी व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1921 दैट वाज हरप्पा. दैट्स व्हाई वी आल्सो नोन नो वी आल्सो रेफर दिस सिविलाइजेशन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन. अब हम इसका आर्ट पढ़ेंगे एंड लेट मी टेल यू दैट दिस हरप्पन्स वर वेरी आर्टिस्टिक पीपल. दे वर वेरी आर्टिस्टिक. दे हैव द ग्रेट आर्टिस्टिक माइंड विच इज एविडेंट फ्रॉम देयर फीचर फ्रॉम देयर डिस्टिंग्विश्ड फीचर. दैट फीचर इज नोन एज अ टाउन प्लानिंग. हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन. It was a civilization which saw for the first time the urban life in India. Urban life in India की शुरुआत जो है वो इस हरप्पन civilization ने यहाँ पे शुरू की है. They were very much following the trade and commerce in their day-to-day life, day-to-day activities. Agriculture भी वो practice कर रहे थे लेकिन उनका जो है ज़्यादा ध्यान वो trade and commerce की तरफ था. और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का जो है इनका बहुत सारी जो पॉपुलेशन इन लोगों की थी वो रह रहे थे. उनका एक डिस्टिंक्ट एक सेक्शन था. आई मीन टू से दैट वेरियस सिटीज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वाज नोन एज द सीतादल एंड द सेकंड पार्ट वाज नोन एज द लावर टाउन. नाउ दिस वाज समथिंग. सीतादल में अमीर लोग अर्बन क्लासेस अमीर लोग या रूलिंग क्लास जो है वो इस सीतादल में रहते थे. फॉर एग्जांपल दिस वाज द सीतादल. यहाँ पे अमीर लोग रहते थे और जो है यहाँ पे दूसरा एक कंपोनेंट था उसको हम बोलते हैं लावर टाउन. थोड़ा नीचे और यहाँ पे कॉमन मासेस आम लोग रहते थे. और लावर टाउन को के इंसान को अगर यहाँ पे सीतादल में जाना होता था तो उसको सबसे पहले जो है थोड़ा ऊपर जाना पड़ता था. इट वाज ऑन एन एलिवेटेड सरफेस दिस सीतादल. सो दे हैड द डिस्टिंग्विशिंग फीचर एज फार एज देयर टाउन प्लानिंग इज कंसर्न्ड व्हिच वाज द ग्रुपिंग व्हिच वाज द डिविजन ऑफ सिटीज इनटू टू पार्ट्स. वन वाज द सीतादल मेंट फॉर द अपर क्लासेस अमीर लोग. अनदर वाज द लावर टाउन मेंट फॉर द लावर मासेस कॉमन पीपल. अनदर फीचर वाज देयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेरी मच एफिशियंट लाइक वी सा इन द मॉडर्न टाइम्स. आजकल के मेन होल वगैरह ड्रेन एवरी हाउस इज कनेक्टेड बाई द ड्रेन विद द मेन ड्रेन और उसकी जो है मेन होल वगैरह स्लेप्स स्टोन स्लेप्स वगैरह जो है वो भी उनका उनकी टाउन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर था. देर इज वन मोर फीचर विच इज नोन एज द ग्रेट बाथ. नाउ दिस ग्रेट बाथ वॉज a swimming pool kind of a structure jahan pe wo which was meant for the ritual purposes. This great bath was meant for the ritual purposes. Rituals jaise koi ganga mein dubki laga ke uske paap sare dhul jate hain aise hi for that kind of thing. This great bath was meant for the ritual purposes. Now there are thousands of cities which have been discovered, which have been excavated by the archaeologists. We have the city like Mohenjo-daro, which is the most important city which has been discovered in the Sindh, present day Pakistan. Then we have the Harappa, as I told you, that's in Punjab part of Pakistan. We have the cities like Lothal mein kya mila? Dokiyar, that is in Gujarat. I say your Kalibangan, that is in Rajasthan. Dholavira is another city. Banavali, Haryana mein, another city. So jo hai एक सिटी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 40,000 थी. दैट सिटी इज नोन एज मोहनजोदड़ो. वहां पे हमें स्ट्रक्चर मिला है उसको बोलते हैं ग्रेट बाथ. नाउ दिस ग्रेट बाथ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर एज फार एज द कल्चरल लाइफ ऑफ हरप्पन्स इज कंसर्न्ड. ओके दे आल्सो यूज्ड बर्नड ब्रिक्स. दे आल्सो यूज्ड बर्नड ब्रिक्स इन देयर कंस्ट्रक्शंस एंड देयर वाज अ वर्चुअल एब्सेंस ऑफ स्टोन. ओके टिम्बर भी वो यूज कर रहे थे लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट दे यूज्ड यू नो इट वाज द ब्रिक्स. ओके ब्रिक्स वर बर्न्ड ब्रिक्स नॉट द मड ब्रिक्स व्हिच दे यूज्ड.
और जो है उनके लाइफ का, इनकी कल्चरल लाइफ का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है सील्स. दे यूज्ड सील्स वाइडली इन देयर, यू नो, इन देयर प्रोबेबली दे वर यूजिंग दोस दीज सील्स फॉर द कॉमर्स, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स एक्टिविटीज. और जो सील्स जो है दे वर मोस्टली स्क्वायर, दे वर मोस्टली स्क्वायर, ऑल्दो वी हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड सम सर्कुलर एंड द रेक्टेंगुलर सील्स एज वेल. एंड दीज सील्स यहाँ पे दे वर इनस्क्राइब्ड विद समथिंग, यहाँ पे कुछ लिखा था इन सील्स पे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, वो कुछ लिखा था उस पे, और इनमें कुछ एनिमल फिगरीन्स या फिगर्स भी थे. अभी लिखा क्या था ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनका जो स्क्रिप्ट है, हरपन स्क्रिप्ट, दैट इज अनडिसाइफर्ड. अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है जो हमने अभी तक समझा नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाए. ऑल्दो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव ट्राइड अ लॉट, बट वी आर कंप्लीटली फेलिंग टू डिसाइफर दैट स्क्रिप्ट. अब वो किस तरह का स्क्रिप्ट था, जनरली जो है वो था पिक्टोग्राफिक. ओके, पिक्टोग्राफिक. And it was, ये जो है from right to left जो है इसको लिखा जाता था, जैसे modern उर्दू की तरह. Okay, now see, in addition to these seals, now seals में जो है बहुत सारे animals के जो है figures भी वहाँ पे उस पर लगाए गए थे. For example जो है animal can be like rhinosaurs. Okay, rhinosaurs जो है उस पर था, buffalo भी था वहाँ पे, humped bull, unicorn was their most important animal, which was unicorn, which was worshipped as well. Okay, Harappans worshipped unicorn. Harappans worshipped animals. They worshipped pigeon as well. They also worshipped people, tree, etc. So they worshipped the forces of nature in one form or the other form. So यहाँ पे जो है unicorn जो है, this is a kind of animal जो आप internet पे देख सकते हो. तो ये unicorn वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा seals में लगाया गया था. This was a sacred animal to them. Alright, then bronze was widely used by the Harappans, and in fact we also refer to this Harappan civilization as the Bronze Age civilization because bronze was widely used. This is evident from the various figures which we have received. For example, there is a statue. That statue is known as the Bronze Dancing Girl. Bronze Dancing Girl. Now, if you will Google it, it is like a, this kind of figure is there. It is a small statue, and except for a necklace, she is not wearing anything. Black, bronze का, blackish color, bronze का बनाया हुआ. आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी advanced थी ये civilization. Okay, advanced से हर sense से थी. You know, for example, whether the roads, whether the lanes, whether the dog, you know, everything. It was a most sophisticated civilization of those times, which was located on the river Indus. All right, इसके बारे में आपको मैंने पहले ही detail में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको ज़्यादा that will be outside what you know, वो culture से बाहर वो information हो जाएगी. I want to restrict myself to this Indian and Autumn culture only. मैं फिर वो ज़्यादा lengthy हो जाएगा. Now bronze dancing girl अब ये किस city से मिली है, मोहनजोदारो से. Okay, we have discovered this statue from Mohenjo-daro. ऐसे जो है we have also bronze buffalo. Okay, bronze buffalo ये भी हमें मिला है. कहाँ से मिला है, bronze bull, in fact not buffalo, it's bronze bull. वो भी हमें मिला है काले बंगान से. Okay, वो भी एक ऐसा structure है. ऐसे बहुत सारे statues, एक head है वो भी मिला है हमें, most probably Mohenjo-daro से ही वो एक structure है. तो this is what is important from the cultural point of view as far as the Harappan civilization is concerned. The women were also very advanced. They used jewelry, they used necklaces, they used earrings, they used various anklets, they used various kinds of things in the daily lives. इसके अलावा एक और फीचर था उनका, वो था pottery. Okay, वो था pottery. Pottery was of two types. One was plain and another was painted. Their pottery is generally known as black and red ware. Black and red pottery. All right. ये आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे. दहरपन जो है उनकी जो पोल्ट्री है वो कोई क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड पोल्ट्री. ऐसी जो इसके बाद हम मोरियन पीरियड पढ़ेंगे, या उनकी पोल्ट्री को हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पोल. या इसके बाद इमिजिएटली आता है वैदिक सिविलाइजेशन, उसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, PGW. तो काइंड ऑफ पोल्ट्री, तीन पोल्ट्री आपको याद रखनी पड़ेगी. द पोल्ट्री ऑफ हरपन नोन एज ब्लैक एंड रेड पोल्ट्री, पोल्ट्री ऑफ वैदिक एज जो इसके बाद आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर. द वैदिक ऑफ मौर्य, द पोल्ट्री ऑफ मौर्यन पीरियड जो हम पढ़ने जा रहे हैं
उसको बोलते हैं NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर. ऑलराइट, नाउ दिस इज आई थिंक सफिशिएंट, दिस इज आई थिंक सफिशिएंट फ्रॉम द कल्चरल पार्ट, फ्रॉम द कल्चरल एस्पेक्ट एज वेल. तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है. तो जो है लेट मी एड फ्यू मोर थिंग्स हियर, दैट हरप्पन जो है they it was the urban life which mostly lived in the cities, and yahan pe jo hai jo bhi important cultural points the, jo bhi important points the as far as the cultural history of this civilization concerned, wo maine aapko discuss kar diya. Now ab hum badhte hain aage, to hum padhenge kiske bare mein, wo hum padhenge Mauryan, hum padhenge hum Mauryan. Chaliye ab Harappan art ke time pe, Harappan art ke baad हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट के बारे में. मौर्यन आर्ट और द आर्ट ड्यूरिंग द मौर्यन डायनास्टी. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज अशोका. अशोका वाज द मोस्ट बुद्धिस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनास्टी. और अशोका का टाइम पीरियड अगर हम बात करेंगे तो 268 से लेके 232 BC तक का टाइम पीरियड इसके आसपास जो है उसका डेट है. And there was a great development of Indian art and culture during the times of Ashoka particularly. Yeah? During the times of Mauryan dynasty in general, but during the times of Ashoka in particular. Ashoka builded various things. Okay, his most important achievement was in the field of pillars and capitals. Okay, he planted various pillars and capitals. Now let me tell you that Ashoka was a Buddhist by faith. And he was a very great ruler, not a great ruler because he fought many wars and brought various areas under his rule. He was a peace loving person, no doubt. He had one war that is known as the Kalinga war. He only fought once, that was the Kalinga war which he fought around 262 BC. Aur uske baad usne koi jang hi nahi kiya, aur ab usne jo hai he devoted his entire life towards the welfare activities. He was mostly attracted towards the welfare activities. He was not a war like a person, especially after the Kalinga war. All right, now what did he do? Ashoka ne kya kiya, usne jo hai apni policies ko logo tak pahunchane ke liye, apne ideas ko, bhai kya karna hai, meri empire kaisi honi chahiye. Actually he is known as the propagator of what is known as Ashoka's dhamma. Okay, Ashoka's dhamma. Dhamma is the set of principles, set of moral code and conduct, code of conduct of what kind of empire he wanted, what kind of stability he wanted. He tried to propagate his state policies through his policy of dhamma. Ab ye dhamma ke ideas, for example, you know, dhamma is nothing but it is a code of ethics. It was meant for social well-being. Aapko jo hai ek brotherhood mein rehna hai. Now his Ashoka's policy of dhamma was propagated. It was the ideas of that dhamma, they were, अब लोग उसको कैसे जानेंगे भाई, कुछ तो आपको करना है ना. अब उस टाइम तो कम्युनिकेशन वगैरह था ही नहीं. अब इसने क्या कि ऐसे बहुत सारे पिलर्स जो है, ऐसे पिलर्स जो है बहुत सारे जगहों पे लगा दिए. और दैट मीन्स यू नो ही प्लांटेड दिस पिलर्स ऑल ओवर हिज एम्पायर, वेदर इन गुजरात, वेदर इन तमिलनाडु, वेदर इन अफगानिस्तान, तो वेदर इन बिहार, वेदर इन यू नो, वेदर इन एनी अदर प्लेस. तो ही सेट टू हैव प्लांटेड बिल्टेड वेरियस सच पिलर्स, various such pillars. Okay, in yahan pe in pillars pe kuch likha tha aise aise aise. Okay, aise likha jata hai bhai, bhai main kya karna hai, kya nahi karna hai, apne elders ki respect karni hai, women ki respect karni hai, janwaron ke sath zyada aapko zyati nahi karni hai, unko aapko welfare pahunchana hai. So that's why, you know, that was what was meant these pillars were meant for. Ab jo hai 1870, hame pata hi nahi tha ki is pe likha kya hai. 1837 mein yahan pe एक आर्कियोलॉजिस्ट आता है, ही वाज फ्रॉम यूरोप, ही इज नोन एज जेम्स प्रिंसेप. नाउ जेम्स प्रिंसेप इज अ पर्सन हु डिसफर्ड दीस पिलर्स. एक्चुअली व्हाट इज रिटन ऑन दीस पिलर्स, उससे पहले मिडिवल टाइम में एक किंग होता था, उसका नाम है फेरोज तुगलुक. फेरोज तुगलुक का टाइम पीरियड 1350 के आसपास होता है. फेरोज तुगलुक ने भी कोशिश किया था कि मैं देखूं भाई ये इस पे लिखा क्या था. उसने एक्चुअली दो पिलर लाए भी अशोका के. कहां से लाए? एक यूपी के इलाहाबाद से लाया, मीरठ से वगैरह लाया, दिल्ली लाया, और बहुत सारे पंडितों और मौलवियों को वहां पे लगाया, भाई ये पढ़ लो आप, इस पे क्या लिखा है. बट ही गॉट फेल्ड. इट वॉज ऑनली इन 1837 व्हेन जेम्स प्रिंसेप डिसफर्ड एक्चुअली दीस पिलर्स व्हाट इज रिटन इन
these pillars. Now the most important feature of these pillars is that they are monolithic. Monolithic का मतलब पता होता है ना कि आपको ये एक ही rock के बने हुए होते हैं. There is no joint in between. There is no joint in between. And यहाँ पे जो है इसके इन pillars के तीन parts को आप divide कर सकते हो. You know, one was the underground part, which lied buried under the ground. ये underground part जो है वो एक portion इस pillar का ये होता था. तो यहाँ पे ये main part होता था, इसको हम बोलते हैं shaft. क्या बोलते हैं? shaft shaft. तो यहाँ पे है, यहाँ पे capital होता था, यहाँ पे बहुत सारे animals यहाँ पे ऐसे ऐसे होते थे इसके ऊपर, यहाँ पे animals होते थे इसके ऊपर. तो यहाँ पे कभी कभी कोई belt भी होता था, फिर उस पर यहाँ पे कुछ animals होते थे, यहाँ पे spokes होते थे. ओके, अब सिंपली जो है ये फिगर्स अगर आप ज्यादा डीप जानना चाहेंगे तो आप वो इंटरनेट पे देख सकते हैं कि किस तरीके के कैपिटल उन्होंने बनाए हुए थे. ऑलराइट, सो दे वर हाईली पॉलिश्ड, पर्टिकुलरली दिस शाफ्ट वाज हाईली पॉलिश्ड एंड दे वर मेड अप ऑफ अ सिंगल स्टोन एज आई टोल्ड यू. नाउ ये हमें चार पिलर याद रखने पड़ेंगे जो अशोका ने बनाए. कौन सा पिलर कहां पे बनाया? ओके, वन इंपॉर्टेंट पिलर इज व्हाट इज नोन एज लोरिया नंदनगढ़, LURYANANDANGARH. आप लिखिए लोरिया नंदनगढ़ इज वन सच कैपिटल विच इज बिल्डेड बाय अशोका. इट्स अ प्लेस इन बिहार, राइट? इट इज अ प्लेस इन बिहार. तो इट इज दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड इसके ऊपर जो एनिमल उस पे बिठाया गया है वो है लॉइन. अब ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, आप इसके ऊपर क्या है? लॉइन. किसी पे यू नो दिस बुल होता है, किसी पे लॉइन होता है, किसी पे हॉर्स होता है. तो यहाँ पे लोरिया नंदनगढ़ वाले पिलर में कौन सा एनिमल ऊपर पे है, कैपिटल किस टाइप का है? दैट इज लॉइन विच इज देयर ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर. और ऐसे ही एक और पिलर है, उसका भी बिल्कुल सेम फीचर है. यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट, यहाँ पे शाफ्ट, फिर यहाँ पे कोई और एनिमल. वो कौन सा एनिमल था? बुल, BULL, बुल. ये कहां पे था? रामपुरवा में. ना अशोका ने एक और पिलर बनाया कहां पे? रामपुरवा में. रामपुरवा कहां पे जगह है? बिहार. तो वहां पे उसके ऊपर कौन सा एनिमल है? यहां पे पिलर तो ऐसा सेम है, तब उसके ऊपर जो एनिमल है वो है बुल, राइट? वो है बुल. ऐसे तीसरा जो उसने पिलर बनाया है उसका नाम है, जगह का नाम सिन्हासा. सिन्हासा कहां पे जगह आपको पता होगा? मध्य प्रदेश में, राइट? तो बिल्कुल वहां पे भी एक पिलर बनाया हुआ है. तो उसके ऊपर जो एनिमल उसने रखा हुआ है, पहले में जो लाइन, दूसरे में बुल, यहां पे भी जो है उसने उसके ऊपर बुल ही रखा है. यहां पे एलिफेंट रखा हुआ है सिन्हासा में. कौन सा एनिमल है? या दिस इज एलिफेंट. ओके, ये तीन आप रखेंगे. बट अमंग ऑल दिस एनिमल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉरी अमंग ऑल दिस पिलर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज विच हैज बीन एक्सिक्यूटेड कहां पे? सरनाथ. ओके, सरनाथ इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश. अब वहां पे जो है हमें ये एक पिलर मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब सरनाथ वॉज वेरी क्लोज टू लॉर्ड बुद्धा एज वेल. जब बुद्धिज्म की बात करेंगे, ओके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेर कॉल्ड एज ट्रिपिटाकास, अभिधम्म पिटका, सुत्तका पिटका, विनय पिटका. तो वहां पे सरनाथ में ही उसका पहला सर्मन है ना लॉर्ड बुद्धा का, उसने वहीं पे पहला प्रीचिंग किया था. अशोका ने उस चीज को जो है बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया कि भाई ये तो लॉर्ड बुद्धा की जगह है. तो वहां पे उसने सरनाथ में पिलर लगाया बिल्कुल इस तरीके का. तो उसकी तीन पार्ट्स है. तो ऊपर जो है अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डिफरेंट है, ये ज्यादा अच्छा है बाकी पिलर से. यहाँ पे ऐसे लोटस बनाया हुआ है, लोटस के ऊपर ऐसा बेल्ट है. तो बेल्ट के ऊपर कुछ यहाँ पे चार एनिमल्स है, प्रोबेबली हॉर्स भी है, बुल भी है, ऐसे ऐसे. तो यहाँ पे स्पोक्स है, 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक्स आर देयर. तो इस बेल्ट के, तो दीज बेल्ट सेपरेट वन एनिमल फ्रॉम द अदर एनिमल्स. तो इसके ऊपर फिर जो है चार बैक टू बैक लाइंस है. दिस इज व्हाट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेशनल एम्बलम आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ऑलराइट, सो दीज फोर पिलर्स अलोंग विद द सरनाथ, दीज फोर पिलर्स यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज द पिलर्स एंड कैपिटल्स बिल्टेड बाय द अशोका आर कंसर्न्ड. ओके, नाउ इन एडिशन टू दीज पिलर्स, अशोका
build it, what is known as a stupas. Stupas, alright? They build it stupas as well. S-T-U-P-A-S, stupas. Stupa kya hota? Stupa is a building, a structure. As a hemispherical dome hota hai, stupa. Hemispherical dome, aise. ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये सुतुपा. अब सुतुपा क्या भाई, यहाँ पे कोई जो है डेड बॉडी तो नहीं, किसी के एशेस, यू नो जब कोई मरता था उसको जलाने के बाद एशेस वगैरह जो है, आइदर दैट यू नो दैट कुड बी द लॉर्ड बुद्धा, दैट कुड बी द बुद्धिस्ट मॉन्क, दैट कुड बी द किंग एज वेल. अब उसकी रिमेन्स जो है, जब वो मरता था उसके रिमेन्स के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनता था उसको बोलते हैं स्तूपा. ऐसे अशोका इज सेड टू हैव बिल्डेड सम 84,000 स्टुपास, सच स्टुपास ऑल ओवर द कंट्री. ओके, तो हमारे पास जो है ज्यादा स्टुपास, लेकिन फिर वो डिस्ट्रॉय किए गए. अब क्यों डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कहते हैं कि उसके बाद जो एक किंग आया वो ब्राह्मण था. एक्चुअली ही वॉज वेरी जेलस फॉर अशोका. वाई ही इज ही फेमस नाउ? समबडी टोल्ड हिम दैट बिकॉज ही बिल्डेड 84,000 स्टुपास. Now he ordered all those stupas must be desecrated, they must be demolished. So, वो आपको story रखने की ज़रूरत याद भी नहीं है. Now 84,000 stupas जो भी बनाए हैं, तो अभी जो है उसमें सबसे famous stupa एक ही बचा हुआ इंडिया में. That stupa is known as a Sanchi stupa. What? Sanchi stupa. Sanchi is a place in Madhya Pradesh. So this stupa is very important, which was also built by Ashoka. Okay. Now stupa के पहले मैंने किसकी बात की? हाँ? Stupa के पहले किसकी मैंने किसकी बात की? पिलर्स की बात की. पिलर्स के बारे में एक बात मैं आपको कहना भूल गया यहाँ पे. दोस पिलर्स, अब उनकी लैंग्वेज क्या थी? ओके, इन विच स्क्रिप्ट दे वेर यूज्ड, यू नो दे वेर रिटन, किस तरह की लैंग्वेज थी ना उस टाइम पे? जो लैंग्वेज थी, तब अशोका हैड एन लार्ज एम्पायर, वेरी लार्ज एम्पायर, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान अप टू द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. दैट वॉज एक्सटेंडेड टू द एंटायर सबकॉन्टिनेंट ऑफ द इंडिया, ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया. नाउ दोस स्टुपास वर रिटन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल, वो कौन सी लैंग्वेज समझ सकते थे. और मेजॉरिटी ऑफ दोस पिलर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, स्टुपा की नहीं. आप पहले वाले पॉइंट में आए, दोस वर रिटन, मेजॉरिटी ऑफ देम, लार्ज नंबर ऑफ देम वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके, सम वर ऑल्सो रिटन इन खारोश्ती स्क्रिप्ट, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान के इलाके में जो है वहां पर खारोश्ती स्क्रिप्ट चल रहा था. तो ऐसे जो है सम ग्रीक पीपल ऑल्सो लिव्ड अंडर हिज एम्पायर, सो दैट स्क्रिप्ट इज नोन एज अरामिक स्क्रिप्ट. भाई उनको समझ आना चाहिए ना कि आपने लिखा क्या है. उनको समझाने के लिए आपने उन्हीं की लैंग्वेज यूज की, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे अंडरस्टूड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लैंग्वेज. दैट्स द मेजोरिटी ऑफ द वेरिटन इज द ब्राह्मी लैंग्वेज. नाउ सेकंड, आप यहां पे आए, स्तूपास की बात भी आपको समझ आ गई. ओके, दिस वाज द स्तूपा व्हिच यू नो दिस वर द स्तूपास व्हिच वर बिल्टेड बाय किसने, अशोका ने. नाउ ही आल्सो, मौर्यंस आल्सो बिल्टेड केव्स, यू नो एक रॉक को आप जो है आप खोदते हो, एक रॉक के अंदर से कुछ केव्स, फिर उनके अंदर डेकोरेट वगैरह, पेंटिंग वगैरह. दोस केव्स वेर मेनली बिल्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, किसकी, मॉक्स की रेजिडेंस के लिए. ऐसे ही जो है बहुत सारे केव्स बनाए गए हैं, अशोका ने भी केव्स बनाए हैं, और उसके सक्सेसर एक था, उसका नाम था दशारथ. क्या नाम था उसका? दशारथ था. तो उसने भी वो केव्स बनाए हैं. पर्टिकुलरली ये केव्स कहां पे बनाए गए हैं? बराबर हिल्स. अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ मौर्य एम्पायर की, इनका हेडक्वार्टर जो था ना, कैपिटल जो था ना, जैसे आजकल के दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो उस वक्त की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, आजकल की पटना जो बिहार की कैपिटल है, तो उसी अराउंड जो है इनकी कैपिटल थी. तो ये सारा स्ट्रक्चर देवर सेंटर्ड और दोज एरियाज, तो यू नो देवर सेंटर्ड ओवर देयर. ऑलराइट, नाउ दिस बराबर हिल्स, नगार्जुना हिल्स एंड द कार्नी हिल्स विच आर द हिल्स देयर इन, तो वहां पे जो है उन्होंने ये केव्स, यू नो दिस केव्स बनाए थे इस अशोका ने. Alright, for the residence of monks. So sometimes they were also met for the Ajvika monks. Ajvika, A-J-V-I-K-S. It was also one of the religious sect. अब ये तीन religious sect साथ साथ थे. एक one religious sect था Buddhism, another था Jainism, एक और था कौन सा? उसको बोलते हैं Ajvikas. A-J-V-I-K-A-S, Ajvika sect. तो उसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. Alright, now this was related to the caves. अब जो है मॉडर्न पीरियड में
वहां पे द पीपल वर्शिप्ड यक्षास यक्षास एंड यक्षिन्स यक्षास वर द मेल फिगर्स मेल किसकी वर्शिप कर रहे थे यक्षा इमेज की फीमेल्स यक्षिन्स दिस वे दिस वाज एक्चुअली द पुअर मेन्स आर्ट जो गरीब वगैरह लोग जो है वो इनकी इन मूर्तियों की पूजा करते थे मेल मेंबर्स यक्षास की फीमेल मेंबर्स जो है यक्षिन्स की दिस वॉज अ काइंड ऑफ टेरेकोटा आर्ट मोस्टली टेरेकोटा मिट्टी के बने हुए होते थे ये मूर्तियां और वहां पे उनकी वर्शिप करते थे ये और ये जो है दिस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर विच वॉज वर्शिप्ड बाई नॉट ओनली द बुद्धिस्ट लेट मी टेल यू दैट ओके यक्षा और यक्षिन इमेजेस जो है इनकी वर्शिप कर रहे थे तीनों उस वक्त ये तीन फेमस रिलीजन कौन थे ब्राह्मणिज्म ओके हिंदुइज्म जिसको बोलते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल दे वर्शिप दीज यक्षास एंड यक्षिन इमेजेस ऑलराइट इतना आप याद रखेंगे देन वी हैव आल्सो द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द रॉयल पैलेस रॉयल पैलेस अब रॉयल पैलेस कहाँ होगा कैपिटल में ही होगा मौर्य की कैपिटल क्या थी पाटलिपुत्रा वहां पे रॉयल पैलेस है और वहां पे जो है एक एम्बेसडर था एम्बेसडर का नाम था मेगास्थीन्स मेगास्थीन्स वाज द ग्रीक एम्बेसडर जो है वो किसने भेजा था ओके वो हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा है ना 326 के आसपास अलेक्जेंडर यहाँ पे इंडिया पे कब्जा करता है अलेक्जेंडर के जाने के बाद अलेक्जेंडर यहाँ पे जब जैसे वापस जाता है फिर उसकी इमीडिएटली मौत होती है अलेक्जेंडर की तो उसका सक्सेसर होता है सिलिकस निकेटर यहाँ पे फिर उसकी रिलेशनशिप बनती है किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कौन होता है फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है फिर वो जो होता है वो यू नो दिस सेलेकस निकेटर वो अपने एम्बेसडर भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में उसका बोलते हैं मेगास्थीन्स अब वो मेगास्थीन्स हमें डिस्क्राइब करता है कि किस तरह की वहां पे कैपिटल थी किस तरह का वहां पे पैलेस था बोलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही रॉयल पैलेस था बट इट वॉज मोस्टली मेड ऑफ वुड दैट इज वाई दैट पैलेस डिडंट लॉस्ट इट ओके अब वो पैलेस जो है वहां पे 64 टावर्स 64 गेटवेज थे 570 टावर्स थे वो था ये था 5 किलोमीटर की उसका रेडियस था तो ऐसे कुछ फीचर जो है वो उसने रॉयल पैलेस के बारे में बताया किसने मेगास्थीन्स ने मेगास्थीन्स की बुक क्या है इंडिका ओके इंडिका अभी इंडिका जो है किसने लिखी है मेगास्थीन्स ने अब मेगास्थीन्स आपको पता चला ना कौन था अब उसकी बुक किस लैंग्वेज में लिखी है ये कौन सी लैंग्वेज है इसकी ग्रीक ओके इट्स रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज अब मेगास्थीन्स ग्रीक था ना तो उसको हिंदी थोड़ी आती अब यहां पे जो है दिस इज व्हाट इज यू नो इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस यू नो दिस मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज कंसर्न नाउ स्कल्पचर एक और इंपॉर्टेंट फीचर है स्कल्पचर मौर्यन्स आल्सो फ्लोरिशड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर ओके स्कल्पचर जो है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें मिलती है धोली में कहां पे डी एच ए यू एल आई धोली धोली कहां पे जगह है उड़ीसा में है ना ये तो वहां पे एक सिंगल रॉक को ऐसे ऐसे करके जो है वहां पे एक स्कल्पचर एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें बना है एलिफेंट का उसको बोलते हैं धोली एलिफेंट रॉक कट स्ट्रक्चर तो धोली में जो वहां पे मिला है एज अगर आप उसको देखोगे इंटरनेट वगैरह पे यू विल सी दैट लाइक द एलिफेंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द रॉक इस तरह से उसको सिंगल रॉक के वहां से बनाया हुआ दैट्स व्हाट इज नोन एज द धोली रॉक कट स्कल्पचर व्हाट धोली रॉकट स्कल्पचर कहां पे है ये उड़ीसा में किस टाइम पे बना हुआ है ये मॉडर्न टाइम में और इतना आप याद रखेंगे नाउ वन मोर थिंग इज देयर दैट मॉडर्न आर्ट पे आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है दिस मॉडर्न आर्ट वॉज बियरिंग द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ग्रीक आर्ट ऑलराइट जैसे मैंने अभी आपको कहा आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर फिर जो भी मेगास्थीन्स वगैरह फिर आपस में जो है रिलेशनशिप भी होगी एक फिर कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक लेडी के साथ शादी भी कर ली फिर ग्रीक का इन्फ्लुएंस इधर आ गया इसका इधर आ गया तो वो ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस जो है ग्रीक सिविलाइजेशन उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन थी उस आर्ट का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं किस आर्ट पे मौर्यन आर्ट पे इतना आपको याद रखना है ऑलराइट सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट ज्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम कौन सा आर्ट पढ़ेंगे अब क्या आएगा मौर्यन के बाद अरे पोस्ट मॉर्यन यार अभी तो बताए चलिए अब हो गया हरप्पन आर्ट भी अब हमने पढ़ा है मौर्यन आर्ट भी अब मौर्यन आर्ट के बाद आएगा पोस्ट मॉर्यन आर्ट पोस्ट का मतलब होता है मौर्यन के बाद में पोस्ट मॉर्यन आर्ट नाउ द पोस्ट मॉर्यन आर्ट को समझने के लिए आपको पहले पोस्ट मॉर्यन हिस्ट्री समझनी पड़ेगी पोस्ट मॉर्यन हिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या फीचर है बाहर से बहुत सारी डायनेस्टीज इंडिया में आती है प्रवेश करती है और वो देवर स्लोली एंड ग्रेजुअली
absorbed by the Indian system, social religious system. They lost their original identity और slowly जो है वो फिर उनका जो है इंडिया में ही वो मिक्स होते हैं. That's what is known as the foreign dynasties which came from Central Asia. कहाँ से? Central Asia. The first Central Asian dynasty to came to India, that was the Indo-Greeks. Okay? Indo-Greeks were the first to come to India. Now अगर आपको question आएगा who were the first to issue coins in India, to issue gold coins in India, तो answer है Indo-Greek dynasty. Indo-Greeks were that dynasty which came for the first time from outside India. मतलब ये post-modern history की बात हो रही है. Indo-Greeks के बाद कुछ और dynasties आती हैं, जैसे एक dynasty जो है वो होती है Kushans. जो होती है Kushans तो इनफैक्ट चौथे नंबर पे आती है. तो आई थिंक आफ्टर Indo-Greeks देयर केम अनदर dynasty विच इज नोन एज Indo-Greeks Parthians. ओके Parthians देन Sakas, राइट Sakas, उसके बाद यहाँ पे Kushans. ऑलराइट, Kushan जो है these were the dynasties which ruled over one part or the other part of India, but not towards the whole India, because they were smaller dynasties. They were not so powerful, so extensive as was the case with the Mauryan dynasty. अब वो यहाँ पे आते हैं अपने एरिया से, अपने सेंट्रल एशिया से, अपने प्रोविंस से. अब डेफिनेटली उनके यहाँ से आने से जो है यहाँ का कल्चर भी इम्पैक्ट होता है. ओके, डिस्टिंक्ट kind of art came into prominence when they came to India, and that culture is what's known as the different, that is known by various names. Okay, various schools came into existence with the result that there was the contact from by the foreigners with the Indians. Due to that contact, यहाँ पे जो है कुछ schools of art and architecture वो है flourish होते हैं. One such school is known as the Gandhara School of Art. Gandhara School of Art. Another such school is known as the Mathura School of Art. Mathura School of Art. Known by their places, na? Ab another is known as third one, Amravati School of Art. Chalo, Amravati to isko patronize karne wale ye wale nahi the. Zyada tar isko South Indian dynasties ne hi patronize kiya. Anyways, Gandhara School of Art, known after the place called Gandhara. It is in present day Afghanistan. Wahan pe apne Bamiyan Buddha ki figure dekhi hogi. बमियान बुद्धा, जिसको तालिबान ने जो अटैक किया था मेरे ख्याल से 2002 में, तो वहां पे उसको इट वाज एक्चुअली द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो वहां पे इस पे बहुत सारा क्राइसिस हो गया था. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. अब इस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन आर्किटेक्चर, इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्टैक्ट. इट वॉज हाईली, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. आप लिखो ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट. ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रीको बुद्धिस्ट, because it was influenced by the Greek ideas, and it was also influenced by the Buddhism. अब Buddhism की शुरुआत कहाँ होगी? India में. Now Buddhism के दो sects हैं, दो divisions थे. कौन-कौन सा? Hinayana, Mahayana. This Buddhist Gandhara school of thought, it was influenced by the Mahayana Buddhism. Mahayana form of Buddhism. Okay, तो Mahayana वो फीचर है बुद्धिज्म का, वो सेक्ट है बुद्धिज्म का, जिन्होंने बुद्धा को गॉड बनाया, जिन्होंने बुद्धा की इमेजेस को वर्शिप किया. अब वो इमेजेस बनाने थे, उनको वर्शिप करने थे. अब कहां पे बनती थी वो? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि उन्होंने बुद्धा की इमेजेस बनाई. अब वो बुद्धा को इमेज वर्शिप करने वाले, द पर्सन हु डिफाइड बुद्धा, हु मेड हिम द गॉड, हु वर्शिप्ड हिज आइडियल्स, दैट इज नॉट द हिनायना, दैट इज द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. Alright, so this was the feature associated with this Gandhara school of art. The material they used, that material is known as grey sandstone. What? Grey sandstone. Grey sandstone. Okay, this is what is important as far as the case of, as far as the Gandhara school of art is concerned. Mathura school of art, although it was heavily influenced by the Buddhism as well as the Greek ideas, ab Mathura school of art bhi influenced ho gaya tha Buddhism se. And and the Greek ideas as well. But slowly, जो है इस Mathura School of Art ये completely feel indigenous बनता है. The material they used, it was supported red sandstone. Supported red sandstone, and वहाँ पे भी बहुत ही यक्षास, यक्षिन्स images जो मैंने अभी आपको Mauryan dynasty में पढ़ाया था, वहाँ पे जो है बिल्कुल secular image, जैसे एक image मिली है हमें Kanishka. Kanishka कौन था? The king of the Kushana dynasty, a most popular king who patronized these schools of arts, it was Kanishka. Kanishka,
Anishka was the popular, the most popular, powerful king of this Kushana dynasty. Alright? Kushana dynasty. The most powerful king of the Indo-Greek dynasty was Menander. Okay? It was Menander. Alright? And now this this was important as far as the Mathura school of art is concerned. यहाँ पे बहुत सारे कनिष्का का स्टैचू मिला है हमें, हेडलेस उसका कोट मिला है, उस तरह की फीचर जो है, उसका बूट भी मिला है हमें, जो उसका स्टैचू है उसमें उसने अपना शू जो है वो भी लगाया हुआ है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज कंसर्न. इंडिया का मोस्टली इंडिजिनियस एक स्कूल और इमर्ज होता है, उसको बोलते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. अमरावती इज अ प्लेस इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश. इनफैक्ट आंध्र प्रदेश तो इसी को कैपिटल बनाने जा रहा है ना, क्यों? बिकॉज इट वॉज कल्चरली वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा, this Amaravati is going to be the capital of Andhra Pradesh only because of this factor, because it is historically and culturally important for the people living in those regions. Now it was patronized by the dynasty. Their dynasty is known as the Satvahana dynasty. What? Satvahana dynasty. Now in the present state of Andhra Pradesh and Telangana, there were some powerful dynasties. One such powerful dynasty was Satvahana dynasty. Among various other features, Satvahana dynasty is noted for few important factors. One feature is that they issued the coins of lead. L-E-A-D, lead. Okay, they issued and used the coinage mostly made up of lead. Okay, lead. And Satvahana dynasty, को आपको डिटेल में अगर पढ़ना पड़ेगा तो लेक्चर ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है, तो ये अवेलेबल भी है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे. Satvahana dynasty के बाद जो है यहाँ पे एक और dynasty होती है, उसको बोलते हैं इक्ष्वा dynasty. What? इक्ष्वा dynasty. तो इस dynasty ने भी इसको जो है patronize किया है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को. एंड द मटेरियल दे यूज्ड in making the various kinds of statues, various kinds of images, वो material था white marble. Okay? वो था white marble. So this is all about the post-modern art and architecture. हम culture की बात करेंगे, तो अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुप्ता, you know, this गुप्ता art के बारे में. After the post-modern art, we will come to गुप्ता art. Gupta art, as you know, is the art which flourished under the patronage of the Gupta dynasty, which ruled from 320 AD onwards. Now, this Gupta dynasty, this Gupta rule is generally regarded as the golden period of Indian art and architecture. Actually, it is referred to as the golden period in Indian history. You know, and the main factor which forces us to say that it was a golden age in Indian history is the development in the field of art and culture. It was mostly the development in the field of literature that we witnessed in various scientific activities, technology वगैरह, आर्यभट्टा, कालिदास का time period जो है यही गुप्ता time period का ही होता है. Then the scholars like वाराहमिहिरा, वो हम अलग पढ़ेंगे जब हम उस component में आएंगे, जब हम literature वगैरह, language वगैरह पे आएंगे तब हम वो पढ़ेंगे. फिलहाल हम art की बात करते हैं. तो during the गुप्ता dynasty, we usually see that there was a development of caves which were carved from the mountains, and these caves were meant for the residence of monks, Buddhist monks mostly. Buddhist monks को रहने के लिए वहाँ पे जो है caves बना दिए गए थे. Caves होता है कि भाई आप जो है वो गुफा जैसी होती है, तो when you are making that structures out from the rocky mountains itself, तो उनमें वो रहते हैं फिर for the residential purposes. That structure is known as the caves. Okay, caves. Now these caves were built, I'm not saying that they were constructed by the Gupta rulers, but during that time period, these Guptas, these caves were, you know, built in large numbers. Three important cave structures are important from an examination point of view. One important cave structure is known as the Ajanta caves. Okay, Ajanta caves. And second, one is the Ellora caves, and the third one is a group of caves. They are known by the name of Bagh caves. These are the places, na? Ellora, Ajanta is a place in Maharashtra, Western Ghats pe caves bane. Ellora is also a place in Maharashtra. Bagh is a place in Madhya Pradesh. तो वहाँ पे जो है ये caves बनाए गए हैं. Ajanta caves, Ellora caves, and Bagh caves. Now Ajanta caves, these are the group of 24 caves which were dedicated to the Buddhist monks mainly. Buddhist monks. So it was, these caves were inspired by the Buddhism, Buddhist philosophy. Alright? Okay. Now
there are various types of caves. For example, I told you what is stupa. Stupa मैंने आपको कहा ना क्या होता है? That is one kind of Buddhist structure. Another Buddhist structure is known as, that word is known as vihara. V-I-H-A-R-A. Vihara means a structure which was meant for the residence of the Buddhist monks, जहाँ वो रह रहे थे. That means most of the Ajanta caves were the viharas. That means where the Buddhist monks were residing. Viharas, okay? It is a Buddhist term, vihara. There is one more term. That term is known as chetia. C-H-E-I-T-A, chetia. It is a prayer hall. Now, why I am writing this all here is that Buddhist caves, these Ajanta caves are the group of 24 caves. And among the 24 caves, 4 are in the form of the chetia, that means prayer hall caves, and the rest, that means some 20 caves, are in the form of vihara, that were meant for the residents of Buddhist monks. This is the UNESCO World Heritage Site. वो हम अलग से उस component में जब वो touch करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी site UNESCO में listed है. Ellora, again the caves, which it is the group of 30 caves. यहाँ पे हमें मिलते हैं again Ellora. महाराष्ट्र में ही है ये इलोरा केव्स. दीज आर ऑल्सो लिस्टेड इन द यूनेस्को लिस्ट. अभी इलोरा केव्स जो है, दीज वर मेंट नॉट ओनली फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दीज वर मेंट फॉर द बुद्धिस्ट, जैन एंड द ब्राह्मणिकल मॉन्क्स. यू नो, सो इट्स थीम, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल एरियाज, बुद्धिस्ट एरियाज एज वेल एज जैन एरियाज. तीनों जो उस टाइम पीरियड पे रिलीजन थे, तीन बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिक, जैन, ये पॉइंट भी आप लिखेंगे यहाँ पे. ऑलराइट, दिस इलोरा केव जो है, इनको कौन मेनली जो है पैट्रोनाइज, इसको बहुत, इन्होंने बहुत सारे रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया. फॉर एग्जांपल, अजंता केव्स को प्रमोट करने में वाकाटा का एक डायनेस्टी थी, वहां पे वाकाटा का डायनेस्टी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. ऐसे इलोरा केव्स को प्रमोट करने में जो है राष्ट्रकुटा एक डायनेस्टी थी उस टाइम पे, उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है. ठीक है, तो ऐसे जो है बाघ प्लेसेस, बाघ केव जो है, इन बाघ केव्स को भी बहुत सारे डिफरेंट डायनेस्टीज ने प्रमोट किया है. ओके, सो इट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कहेंगे कि भाई किसने बना दिया है, तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट आई थिंक फॉर योर एग्जाम्स. ऑलराइट, नाउ दिस वाज विद रेस्पेक्ट टू द केव्स. नाउ देयर इज वन मोर कल्चरल टर्म, दैट इज नोन एज इलाहाबाद प्रशस्ति. इलाहाबाद प्रशस्ति, ओके, इलाहाबाद प्रशस्ति का मतलब होता है आयरन पिलर इनस्क्रिप्शन. नो, इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद इनस्क्रिप्शन, इट इज अ सेपरेट इनस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, ये पिलर टाइप का स्ट्रक्चर है इलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन. ये किसने लिखा है? ये लिखा है हरिसिन्हा ने. नाउ गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, चलो श्री गुप्ता एंड घटाकुचा गुप्ता, बट इट्स मेन रियल फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट. चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा जो था वो था समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त वॉज ए वेरी पावरफुल रूलर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी. ही वॉज ऑल्सो ए वेरी कल्चर्ड पर्सन. ही वॉज इन्वॉल्व, यू नो, ही वॉज ए गिफ्टेड पर्सन, ए स्कॉलर एज वेल आई थिंक, बिकॉज ही इज बींग शोन इन द कॉइने, जो भी गोल्ड कॉइने गुप्ताज ने बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइने जो है वो इशू किए, उनमें उसको दिखाया गया है कि भाई जो है वो किसी में जो है फ्लूट बजाता है ये समुद्र गुप्ता, किसी में वो जो है बैटल एक्स हाथ में है. मतलब ही इज, यू नो, ही वॉज ए वेरी, ही वॉज ए वेराइटी, ही वॉज ए काइंड ऑफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, दिस समुद्र गुप्ता. नाउ समुद्र गुप्ता का एक जनरल था, उसका नाम था हरिसिन्हा. हरिसिन्हा ने उसकी अचीवमेंट्स, किसकी अचीवमेंट्स? समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट्स डिटेल में लिखा है. कहां पे लिखा है? उसको बोलते हैं इलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन. इलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन आल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ हरिसिन्हा वाज अ कोर्ट पॉइंट एंड द स्कॉलर एंड द जनरल एज वेल ऑफ द समुद्रगुप्ता, द पावरफुल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. तो वो भी, ये भी आप याद रखिएगा. देन देयर इज वन मोर पिलर, दैट इज नोन एज आयरन पिलर. Iron pillar. If anyone among you had visited this Qutub Minar, वहाँ पे बिल्कुल उसके सामने एक black एक छोटा सा pillar है, उसको बोलते हैं iron pillar. That is blackish in color. तो उसको हमने decipher भी किया हुआ है. वो वहाँ पे if in case अगर आप वहाँ पे जाना चाहेंगे तो यहाँ से आप easily जा सकते हो. नजदीक ही पड़ता है. तो वहाँ पे जो है आप उसको मतलब कर सकते हो visit. तो वहाँ पे आप देखिए कि वो किस तरह का वो आयरन पिलर वहां पे, विच यू नो, विच ऑल्सो डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. ओके, सो अब आयरन पिलर किसने लगाया? आयरन पिलर एट मेहरौली किसने लगाया? वो चंद्रगुप्त सेकंड.
चंद्रगुप्त सेकंड, ऑलराइट, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आप याद रखिएगा एज फार एज यू नो दिस कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुप्ताज इज कंसर्न, हम आर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द गुप्ता डायनेस्टी। अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दैट द कंसेप्ट विच इज नोन एज द टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट। दिस टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज परफेक्टेड ज्यूरिंग द गुप्ता रूल, ज्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। टेम्पल आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में शुरू होता है, द टेम्पल, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच वॉज स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया बाई द गुप्ताज, इनफैक्ट गुप्ताज ने ही उस सिस्टम को परफेक्ट किया हुआ है। दैट स्टाइल इज नोन एज द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा स्टाइल, NAGARA। नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स। वन इज द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच, ये कहां पे चल रहा था, इट वॉज यस नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर को हम क्या बोलेंगे, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके बहुत सारे फीचर थे, जैसे शिखर विमाना, ऐसे मंडप असेंबली हॉल जहाँ पे वो वहां पे बैठते थे, ऐसे अंतराला जो टनल एक जैसी स्ट्रक्चर फीचर्स होते थे, तो वो इस सब के फीचर होते थे इस नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गर्भगृह तो होता ही था, या एक और फीचर एसोसिएट है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, पंचायतन स्टाइल, PANCH, पंचायतन, फाइव। दीज टेम्पल्स वेर मेनली द फाइव टेम्पल्स, सब्सिडरी टेम्पल्स, चार उसके अराउंड होते थे, तो एक मेन टेम्पल जो है वो सेंटर में होता था, दैट्स व्हाट नोन एज पंचायतन स्टाइल। एनीवेज, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में शुरू होता है और उसको शुरू करने वाली डायनेस्टी होती थी गुप्ता डायनेस्टी। साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसको हम बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके अलग फीचर्स है, वो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको उस वाले इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू में कहा था कि मैं आपको यहाँ पे जो है साउथ इंडियन आर्ट अलग से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हमें वो क्लियर हो जाएगा। द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया, अभी आप इतना याद रखें, दैट इज नोन एज द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देयर इज वन मोर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज नोन एज द विसारा, VESARA, विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दैट विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज यू नो वॉज एग्जिस्टिंग कहाँ पे, इन एरियाज के बीच में, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के सेंटर में, डेकन पोर्शंस में जो है वहां पे उस विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो प्रमोट किया जाता था। वहां पे एक डायनेस्टी थी चुलुकिया डायनेस्टी, चुलुकिया डायनेस्टी ने ही उस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी। उसके फीचर्स क्या थे वो भी हम आगे जाकर जो है पढ़ेंगे। सो एनीवेज, यहाँ पे जो है अभी दिस वॉज ऑल अबाउट द यू नो दिस गुप्ताज। गुप्ताज के बारे में कॉइनेज का भी, दे इशूड फाइन गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स में जो है किंग के साथ क्वीन भी होती थी, बैठी होती थी, उन पे दिखाई होती थी। फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त कुमारा देवी टाइप ऑफ कॉइन्स, चंद्रगुप्त फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, उसने अपनी क्वीन, उसका नाम था कुमारा देवी, उसको भी अपने साथ उसने वहां पे उनमें दिखाया था, उन पिक्चर्स में दिखाया था जो कॉइनेज वगैरह है। सो दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया दोज गुप्ताज, एंड दिस इज ऑल्सो वन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ गुप्ताज। ऑलराइट, देन वी विल कम टू द साउथ इंडियन आर्ट। ऑलराइट, साउथ इंडियन आर्ट, सो द गुप्ता आर्ट इज फिनिश, गुप्ता आर्ट को हमने क्लियर किया। अब आप गुप्ता आर्ट में क्या याद रखेंगे, दैट गुप्ता आर्ट is what is known as they began what is known as the Nagara school of art. Okay, ab Nagara school of art aapko yaad rakhne ge, uski Nagara school of art is that kind of temple architecture which prevailed over the northern India, which ab uski features aapko yaad rakhne padenge. What are the features of Nagara school of temple architecture? Sabse important feature jo maine aapko bataya, panchayatan style, that means panch temple hote the, main temple center mein, uske around jo hai wo char aur subsidiary shrines hote the, usko hum bolte hain panchayatan style. Then another feature of nagara style of temple architecture jo maine aapko kaha, wo maine ye kaha ki uska mandap MANDAPA, mandapa ka matlab hota hai assembly hall, jahan pe log vagera wahan pe jama hote the aur wo worship kar rahe the wahan pe, theek hai, us particular deity ki, that is known as the mandapa feature. Okay, then these temples, they were builded ऑन अ लार्ज प्लेटफॉर्म, पहले एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था और उस प्लेटफॉर्म पे जो है, इस प्लेटफॉर्म पे जो है फिर वो टेम्पल यहाँ पे बनाया जाता था। दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देन देयर इज वन मोर फीचर, दैट फीचर इज नोन एज शिखर, शिखर,
शिखर क्या होता है जो टेंपल के बिल्कुल ऊपर, इफ दिस इज अ टेंपल तो यहाँ पे जो वो पिरामिड एक स्ट्रक्चर जो ऊपर होता है इसके, यू नो दैट पिरामिडल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द शिखर, SHIKHAR, शिखर. दीज आर द फीचर्स ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. बट नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में प्रिवेलेंट होता है उसके कुछ सब स्कूल्स भी होते हैं, उसके कुछ सब ग्रुप्स भी होते हैं. इफ द नगारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर विच वॉज देयर इन नॉर्दर्न इंडिया दैट कैन बी सीन, यू नो देयर वर थ्री ग्रुप्स विद इन दैट नगारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. तीन और ग्रुप्स जो है वो हमें, मतलब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नगारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. एक ग्रुप का नाम जो है उसको हम उड़ीसा स्कूल, ओके उड़ीसा स्कूल, उसके बाद आएगा खजुराहो, फिर आएगा सोलंकी स्कूल. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है उड़ीसा स्कूल, उड़ीसा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ द नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर. देन वी हैव द खजुराहो स्कूल. खजुराहो इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश. तो खजुराहो स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इज ऑल्सो वन ब्रांच ऑफ द नगारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. देन देर इज ऑल्सो सोलंकी स्कूल, सोलंकी स्कूल, ओके. देर वॉज अ सोलंकी डायनेस्टी इन द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी इन द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, वहां पे एक डायनेस्टी थी सोलंकी डायनेस्टी, उन्होंने भी टेंपल आर्किटेक्चर को प्रमोट किया. दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द नगारा स्टाइल ऑफ नगारा टेंपल आर्किटेक्चर. ये जो उड़ीसा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर होता है इसकी एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है उड़ीसा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, इसका टाइम पीरियड क्या था, अराउंड 13th century AD, अराउंड 13th century AD जो है उड़ीसा स्कूल या कालिंगा स्कूल भी इसको हम बोलते हैं, कालिंगा स्कूल में ऑफ आर्किटेक्चर भी इस उड़ीसा स्कूल को बोलते हैं. तो ये टेम्पल जो है वो 13th century में बनाए जाते हैं, ओके. ऑलराइट, सो विच डायनेस्टी वॉज पैट्रोनाइजिंग दिस डायनेस्टी, यू नो दिस स्कूल, कालिंगा स्कूल, दैट डायनेस्टी इज नोन एज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. ऑलराइट, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूल्ड ओवर दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. एंड ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने ही जो है ये उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की वहां पे शुरुआत की. और इस बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमें मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन टेम्पल दैट इज सन टेम्पल, ना कोणार्क सन टेम्पल, वो तो आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोणार्क सन टेम्पल, दैट इज द टेम्पल विच वॉज बिल्डेड बाई दिस ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ओके. उसका नाम जो था वो था नरसिंहा देवा, नरसिंहा देवा उस रूलर का नाम था नरसिंहा देवा. तो उसी ने जो है नरसिंहा देवा फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उसने वो कोणार्क सन टेम्पल जो है, कोणार्क सन टेम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ द उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इट वॉज बिल्टेड बाय नरसिंहा देवा. अब नरसिंहा देवा किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. ऑलराइट, और देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट देयर वाज वन मोर टेंपल, जगन्नाथ टेंपल, वो पुरी में है, जगन्नाथ टेंपल एट पुरी, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टेंपल, उसको किसने बनाया, अनंतवर्मन ने. तो अनंतवर्मन भी बिलोंग कर रहा था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से. देन देयर इज आल्सो अनदर टेंपल दैट इज नोन एज लिंगाराज टेंपल. ऑलराइट, लिंगाराज टेंपल भी वहां पे भुवनेश्वर के आसपास है. तो इस टेंपल को भी जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया था. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस उड़ीसा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, इट हैज वेरियस फीचर्स. अब इस उड़ीसा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के मोटे मोटे फीचर्स क्या थे, फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर वॉल्स ऑफ दोज टेंपल्स, देवर यू नो देवर डेकोरेटेड, देर वॉज हाईली डेकोरेशन as far as the walls of these temples were concerned, but interior walls were only decorated, external walls were not decorated. All right, then jo iska mandap, jo iska assembly hall hota tha is temple ka, in temples ka, us mandap ko mandap nahi bola jata tha, usko bolte the us mandap ka naam hota tha jagmohan, okay, jagmohan jo hai hum us mandap ko bolte the, jagmohan bolte the mandap ko. All right, then you know these temples were also enclosed by a boundary, ये boundary wall होता था इसके चारों तरफ. So this is what are the broad features of this Odisha School of Temple Architecture. Now ये this is the part of Nagara School of Temple Architecture. Odisha के बाद जो है वो Khajuraho, the group of Khajuraho temples. अब Khajuraho जो है it's a place in मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे भी कुछ एक dynasty थी जिसने इस temple architecture को patronize किया, उस dynasty का नाम है Chandelas.
चंडेला डायनेस्टी. अब चंडेला डायनेस्टी रूल कर रही थी इस खजुराहो एरिया में, तो 950 से लेके 1050 एडी के आसपास ये टेंपल जो है वो बनाए गए. देयर आर वेरियस टेंपल्स, सम 80 टेंपल्स वेर बिल्डेड देयर. 80 टेंपल्स वेर बिल्डेड देयर बाय द चंडेला रूलर्स. कहां पे? खजुराहो में. और आपने देखा होगा उसकी फीचर्स, अगर आप वहां पे गए होंगे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दोस टेंपल्स व्हिच आर बिल्डेड एट खजुराहो by the Chandela rulers? The most important feature is that those temples were made of sandstone. They are made up of sandstone. Okay. They are made up of sandstone. They face either north or the east. They are either north facing or they are either east facing. Okay. जो उनकी direction होती थी, either north facing or the east facing. तो दे आर ऑल्सो हाईली डेकोरेटेड. आपने उन वॉल्स को देखा होगा. एंड दे आर डेकोरेटेड विद वेरियस फिगर्स एंड फिगरिंग्स विच आर इरोटिक इन नेचर. ओके, ऐसे जो वो नंगी टाइप की जो वो मूर्तियां वगैरह वहां पे लगाए हुए हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल दैट बाय दिस नेम. इरोटिक फिगर्स वहां पे उन वॉल्स पे लगाए गए हैं खजुराहो में, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल. नो, व्हाट आर द एग्जांपल्स? कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, अब किसने बनाए हैं? मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आप कंसेप्ट याद रखिए, कुछ टेम्पल्स जो है वो केंद्रीय महादेव टेम्पल एक है वहां पे, केंद्रीय महादेव टेम्पल और वहां पे लक्ष्मणा टेम्पल है. ये दो टेम्पल्स वहां पे खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में ज्यादा फेमस है. बाकी भी और टेम्पल्स है जो आप जाके वहां पे देख सकते हैं. ऑलराइट, देन इज वन मोर स्कूल दैट इज नोन एज सोलंकी स्कूल, अनदर डिवीजन ऑफ नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. दिस सोलंकी स्कूल जो है ये कहां पे था? राजस्थान और गुजरात में. यहां पे जो है बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, और उसको बनाने वाले जो थे वो थे सोलंकी डायनेस्टी. ऐसे ये किंग था भीमा फर्स्ट, बहुत सारे रूलर्स थे वहां पे. भीमा फर्स्ट ने वहां पे बहुत सारे टेम्पल बनाए थे. और ऐसे ही एक टेम्पल है उसका नाम है राजसिम्हा टेम्पल, ना मोदीराव सन मोदीराव टेम्पल. ओके, मोदीराव सन टेम्पल, मोदीराव सन टेम्पल, MODHERO, मोदीराव, मोदीराव सन टेम्पल. देर इज वन मोर टेम्पल दैट इज नोन एज वन मोर फेमस टेम्पल इज देयर. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट मोदीराव सन टेम्पल इज वन फेमस टेम्पल विच वॉज मेड बाई दी सोलंकीज, ना सोलंकी डायनेस्टी. देर वॉज नो कार्विंग, ज्यादा डेकोरेशन इस सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर पे नहीं होती है. एंड देर इज वन मोर फीचर दैट इज नोन एज द प्रेजेंस ऑफ स्टेप्ड वेल्स वेर देयर विद इन दिस टेम्पल आर्किटेक्चर. ऑलराइट, नाउ सी दिस इज व्हाट आर द वेरियस सब डिविजन्स विद इन द नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. अब नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है? वो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वो कहां पे चल रहा था? नॉर्थ इंडिया में. ऑलराइट, नाउ एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साउथ इंडियन आर्ट. ओके, साउथ इंडियन आर्ट. एंड वी हैव टू सी दैट इट वॉज मोस्टली, वी विल सी दैट इट वॉज मोस्टली द टेम्पल आर्किटेक्चर देयर इन एज वेल. साउथ इंडिया पे ही मोस्टली जो फोकस किया था वहां के रूलर्स ने, इट वॉज मेनली द टेम्पल आर्किटेक्चर. Now, the beginning of this temple architecture in South India, its beginning was made by a particular dynasty that is known as the Pallava dynasty. Pallava dynasty ruled over the parts of present-day Tamil Nadu. Alright, this Pallava dynasty was one of the famous dynasty, and I must say that the beginning of temple architecture in South India, that was made by the Pallavas. ओके, उन्होंने शुरुआत की थी इस टेंपल आर्किटेक्चर की वहां पे साउथ इंडिया में. अब इस पल्लवा डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स थे. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ रूलर कॉल्ड द महिंद्रावर्मन, और महिंद्रावर्मन ने जो जो भी टेंपल बनाए हैं उसको हम बोलते हैं महिंद्रा ग्रुप ऑफ टेंपल्स. यानी कि दोज टेंपल्स व्हिच वर बिल्डेड बाय द महिंद्रावर्मन व्हिच बिलोंग टू द पल्लवा डायनेस्टी. ऑलराइट, अब महिंद्रावर्मन जो है इसने शुरुआत की थी छोटे छोटे टेम्पल्स बनाने की, और वो छोटे छोटे टेम्पल जो है दे वर मेनली मेड आउट ऑफ द रॉक्स, रॉक का टेम्पल जिनको हम बोलते हैं. ओके, रॉक का टेम्पल्स वर मेड बाय दिस पर्सन महिंद्रावर्मन. ओके, ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. महिंद्रावर्मन जब मरता है फिर उसके बाद जो वहां पे रूलर एक बनता है वो एक पावरफुल रूलर होता है नरसिम्हावर्मन. तो नरसिम्हावर्मन ने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए. नरसिम्हावर्मन, ओके,
नरसिम्हावर्मन ने भी बहुत सारे टेम्पल्स वहां पे बनाए हैं, और द टेम्पल्स बिल्ट बाय नरसिम्हावर्मन दोज आर नोन एज द नरसिम्हा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. नरसिम्हा ग्रुप, ये नरसिम्हावर्मन जब मरता है फिर एक और रूलर आता है, उसका नाम है राजसिम्हा, राजसिम्हावर्मन, राजसिम्हावर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. इसने भी बहुत सारे, राजसिम्हा वाज अ रूलर, ही वाज अ किंग, उसने भी वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं राजसिम्हावर्मन, और वही टेम्पल सबसे फेमस और पावर इंपॉर्टेंट टेम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, दिस राजसिम्हावर्मन ने एक इंपॉर्टेंट टेम्पल वहां पे कंस्ट्रक्ट किया, दैट टेम्पल इज नोन एज शोर टेम्पल. शोर टेम्पल ये कहां पे है? ममल्लापुरम और महाबालीपुरम. महाबालीपुरम, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एन इंपॉर्टेंट टेम्पल, शोर टेम्पल एट महाबालीपुरम. वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और वो सारे टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो मौजूद है. राजा सिम्हावर्मन अब उसने क्या बनाया? शोर टेम्पल. कहां पे? महाबालीपुरम में. ऐसे जो है वहां पे उसने एक और टेम्पल बनाया, उसको बोलते हैं कैलाशनाथा टेम्पल. कैलाशनाथा टेम्पल अभी कहां पे बनाया? कैलाशनाथा टेम्पल, कैलाशनाथा टेम्पल एट तंजोर, कांची. इट्स इन कांची, कांचीपुरम. ओके, कांची, वहां पे उसने बनाया कैलाशनाथा टेम्पल, हां कांची में. नाउ फिर ये भी बनता है, फिर उनका एक और रूलर होता है नंदीवर्मन. नंदीवर्मन ने बहुत सारे टेम्पल्स और भी बनाए हैं, उसको और ज्यादा जो है वो डेवलप किया, लेकिन वो जो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. नाउ दिस पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर, जो इन्होंने ये टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया है, इस अब शुरुआत तो पल्लवाज ने की है. नाउ दीज ट्रेडिशंस, द ट्रेडिशंस ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर विच वॉज नाउ बिगन बाई द पल्लवाज, इट वॉज कैरीड फॉरवर्ड बाई अनदर डायनास्टी. दैट डायनास्टी इज नोन एज द चोला डायनास्टी. That dynasty is known as the Chola dynasty. Remember that we are dealing this time, we are studying what? South Indian art. हम South Indian art की बात कर रहे हैं. North Indian art को हमने complete कर दिया है, जो हमने Nagara School of Art पढ़ा है, ठीक है? Chola dynasty was one more powerful dynasty in the deep south. अब इस Chola dynasty ने Pallava traditions को continue किया, temple building को continue किया, and the kind of temple architecture they perfected, they developed, that style is known as the Dravidian style. Dravidian style of temple architecture. That means the temple architecture, Dravidian style of temples. All right, the temples which were constructed by the Cholas, their style is known as the Dravidian style of temple architecture. Now, what is the feature? What are the features of this Dravidian style? ये आपको दो-तीन points जो है याद रखने पड़ेंगे. For example, the most important feature of this Dravidian style of temple architecture is that they were enclosed by the boundary walls. Okay, if this was a temple, so it was enclosed by the boundary walls. It was enclosed by the boundary walls. And boundary wall ke front mein yahan pe ek gateway hota tha, entrance hota tha. Us entrance ka naam hota tha Gopuram. Gopuram. Okay. So the first feature is that the temples were enclosed by the boundary walls. Second feature is that there was a huge entrance gateway, the path which leads towards the main temple. That gateway was known as Gopuram, G-O-P-U-R-A-M, Gopuram. There another feature is Vimana. Vimana was a pyramid tower like of a structure jo temple ke top pe hota tha. Vimana is another feature associated with the Dravidian style of temples. There was also the presence of water tank. Water tanks jo hai wo temples ke andar wahan pe hote the. Water tanks. Ab ye feature jo hai North Indian temples mein nahi hota hai. Theek hai? To water tank bhi wahan pe maujood hota tha. Aur jo tunnel hoti thi na, for example, there was a tunnel. Ab there was a highly decorated tunnel. That tunnel was known by the name of Antarala. Okay, Antarala. This tunnel, it connected assembly hall, जहाँ पे devotees बैठते थे, with the Garbhagriha, with the main idol, जहाँ पे जिस idol की उनको पूजा करनी होती थी. These Chola rulers were the devotees of Shiva. Okay, remember, most of the South Indian dynasties they worshipped Shiva, whereas most of the North Indian dynasties they worshipped Vishnu, and most of the temples were dedicated to the Shiva. Okay, the place of worship that was connected with the assembly hall where the devotees used to sit,
that was connected by a tunnel. That tunnel is known by the name of Antarala. So these are some broad features of this Dravida school of Dravidian style of temple architecture. All right, now the examples are many. For example, there were various temples which were built by these Cholas. अब चोला डायनेस्टी की बात करेंगे तो आप ये याद रखिए, दस हजार ये बस 1100 के टाइम पीरियड में ये टेम्पल्स बने होंगे, तो 1000 एडी के आसपास, 950 से ऑनवर्ड्स आप याद रखेंगे चोला डायनेस्टी, ठीक है। तो अब जो है वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने बनाए थे। एक टेम्पल है बृहदीश्वरा टेम्पल, क्या बोलते उसको, ओके, दिस बृहदीश्वरा टेम्पल इज वन सच टेम्पल वेयर इन वी सी दीज फीचर्स जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अभी बृहदीश्वरा टेम्पल कहाँ पे है, ये है तंजोर में या थंजावुर, तंजोर उनकी वहां पे एक बहुत बड़ी सिटी थी तंजोर, तो ये तंजोर में जो है ये बृहदीश्वरा टेम्पल, ये किसने बनाया था, राजा राजा फर्स्ट उनका एक बहुत ही पावरफुल रूलर था। देन देयर इज वन मोर टेम्पल व्हिच वाज बिल्टेड बाय देम, तो उस टेम्पल का नाम है गंगाईकोंडा चोलापुरम। अब देयर वाज वन मोर किंग हु सक्सीडेड राजा राजा फर्स्ट, दैट किंग वाज नोन एज राजेंद्रा फर्स्ट, उसका नाम क्या है, राजेंद्रा फर्स्ट। अब इस राजेंद्रा फर्स्ट ने वहां पे एक सिटी बनाई और वहीं पे उसने बहुत बड़ा टेंपल बनाया, सिटी का नाम भी रखा उसने गंगाईकोंडा चोलापुरम। अब ये गंगाईकोंडा चोलापुरम मतलब क्या, कहते हैं कि उस राजेंद्रा फर्स्ट ने गंगा सिटी पे, गंगा जो रिवर है उसके आसपास के जो एरियाज है उन पे कब्जा किया, तो एज ए मार्क टू मेमोराइज दैट कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न गंगा डेल्टा एरिया, उसने उस सिटी का नाम रख दिया गंगाईकोंडा चोलापुरम, उसने उसको कैपिटल भी बना दिया और वहां पे एक टेंपल भी बना दिया, उसको बोलते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम टेंपल। किसने बनाया इसको, अब राजेंद्रा फर्स्ट ने, वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। देन देयर इज वन मोर फीचर एसोसिएटेड विद द चोला आर्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। एज फार एज द स्कल्पचर ऑफ द साउथ इंडिया इज कंसर्न, स्कल्पचर को भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश किया, इंप्रूव किया। एंड द स्कल्पचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, most important figure, this sculpture figure of these Cholas, that is named Nataraja, where the image made up of bronze, mainly bronze ki bani hoti thi, aur yahan pe jo hai Nataraja's figures jo hai wahan pe bahut zyada bani hui thi, and you know abhi Nataraja figure aap internet pe bhi aaram se dekh sakte ho, kis tarah ki ka ye jo hai सिटिंग पोज में बहुत सारे हाथ उसके वगैरह होते हैं उनके, तो नटराजा भी जो है उनका एक मतलब दीज आर द इमेजेस ऑफ शिवा इन द ब्रोंज व्हिच वर मेड बाय द चोलास। अब ये टेंपल जो है देयर वॉल्स वर हाईली डेकोरेटेड, समटाइम्स दे आल्सो प्लेस्ड देयर इमेजेस एज वेल, किंग्स प्लेस्ड देयर इमेज इनसाइड द टेंपल्स अलोंग विद देयर क्वींस, ये भी एक फीचर था, ओके ये भी एक फीचर था। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज द द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर व्हिच आई टोल्ड यू। नाउ इन एडिशन टू दिस द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, यू नो चोलास ने जो है टैंक्स वगैरह भी बनाए हैं, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू माई अंडरस्टैंडिंग फॉर योर एग्जाम्स, रेस्ट यू है मैं कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। तो देन देयर इज वन मोर स्कूल ऑफ आर्ट which flourished not in the deep south between you know up Deccan ka area dekhiye, to Deccan ka area mein ek school of art flourish hota hai, that is known as the Visara school of art, okay। Now Visara school of art and architecture is that school of art which had both these features, they contain both the features of Nagara school of art as well as the Dravidian school of art। जिन टेम्पल्स में हमें ये फीचर्स मिलते हैं, जहां पे हमें नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के भी फीचर मिलते हैं और द्रविड़ियन स्कूल ऑफ आर्ट के भी फीचर मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं विसारा स्कूल ऑफ आर्ट। और यहाँ पे जो है कौन कौन सी डायनास्टी ने इस स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया, इसकी शुरुआत किया था चुलुकिया डायनास्टी ने, किसने, चुलुकिया डायनास्टी। एंड चुलुकिया डायनास्टी के बाद इसकी जो इसको पैट्रोनाइज किया था वो था राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने जो है इसने भी इस सिस्टम को आगे चला दिया, विसारा स्कूल ऑफ आर्ट। ऑलराइट, अब राष्ट्रकूटा डायनास्टी की बात हो रही है, अब राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने कौन से आर्ट को प्रमोट किया, विसारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, ओके।
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज वन ऑफ द फेमस डायनेस्टी. आपने मैंने जब मैंने आपको एंशंट इंडिया पढ़ाया था, मैंने आपको ट्रिपैरेट स्ट्रगल के बारे में बताया था, द ट्रिपैरेट स्ट्रगल, उसमें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी भी इन्वॉल्व थी. और कौन थी? पाला डायनेस्टी और गुजरा प्रत्याहाराज. ओके, तो दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी. इसकी तारीफ जो है वो एक ट्रेवलर ने भी की है जो अरब से इस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में विजिट करता है, उसका नाम है सुलेमान. Sulaiman visits this Rashtrakuta dynasty and he says that there are various temples inside the Rashtrakuta empire and one such temple is the Kailashnatha temple. Kailashnatha temple was built by the Rashtrakuta rulers. कहाँ पे बनाया था? Ellora में. Ellora कहाँ पे? जो मैंने भी आपको बताया था, Ellora जो है, it is a place in Maharashtra. So this Kailashnatha temple at Ellora is a famous temple which was built by the Rashtrakuta rulers. Okay. राष्ट्रकूटा रूलर्स. नाउ दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इज ऑल्सो फेमस फॉर द लिटरेचर. वो हम अलग पढ़ेंगे जब हम उस कंपोनेंट पे आएंगे, लर्निंग और लिटरेचर. इन्होंने जो है वहां पे कन्नड़ को ज्यादा पैट्रोनाइज किया, कन्नड़ लैंग्वेज. उनका एक किंग था, उसका नाम है अमोगा वर्षा फर्स्ट. उसने कवि राजमार्गा एक बुक लिखी है. अमोगा वर्षा फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ही वॉज अ वेरी कल्चर्ड पर्सन एंड ही ट्राइड टू patronized not only the architecture but the literature as and the language as well. He was himself a gifted scholar. Who? Amoghavarsha first. He wrote a great book called the Kaviraj Marg. Kis language mein? Kannada language mein. Kannada. Okay. अब कन्नड़ का मतलब होता है प्रेजेंट डे कर्नाटका. तो आप इस विसारा स्कूल ऑफ आर्ट को कह सकते हो इट्स ऑल्सो नोन एज द कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्ट. कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्ट. ऑलराइट, सो यू नो दैट्स हाउ we have now here finished this south indian art. This is what you need to remember as far as the south indian art is concerned. South indian art mein jo aapko teen dynasties ka architecture art yaad rakhna padega, ek jo hai pallava, dusra chola, thoda bahut rashtrakutas and cholukias ki reference. Aap dekh lijiye ye kaun si hai, unesco world heritage site kaun kaun si hai isme, utna aap yaad rakhiyega. Theek hai, that is enough for your understanding. All right, now we have reached towards the medieval art. अब हम medieval art पे आएंगे. Medieval art को हमने तीन topics में पढ़ना है. पहले हम दिल्ली सल्तनत का art, मुगल art, या दिल्ली सल्तनत के बाद हम विजयनगर पढ़ेंगे या मुगल के बाद दिल्ली सल्तनत, विजयनगर थोड़ा बहुत, फिर जो है मुगल art हम पढ़ेंगे. Okay. अब ancient आर्ट भी हो गया है और साउथ इंडियन आर्ट भी वी हैव कंप्लीटेड. नाउ आई विल टेक द मेडिवल आर्ट. आई विल टेक द मेडिवल इंडियन आर्ट. मेडिवल इंडियन आर्ट में हमने दो या तीन कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो उसको हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो मेडिवल आर्ट में जो है मेडिवल आर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द दिल्ली सल्तनत आर्ट और द सल्तनत आर्ट. The art which was built by the Sultanate rulers. अगर इसका timeline भी याद रखेंगे 1206 में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत शुरू होती है और ये 1526 तक जो है continue rule करती है यहाँ पे इंडिया में. That's what is known as the Delhi Sultanate time period. Then Mughal dynasty comes to power. Mughal empire. This Mughal dynasty जो है जो भी art वगैरह बनाती है, जो भी buildings वगैरह बनाती है तो उसको हम बोलेंगे 1526 से लेके 1707 जब औरंगजेब की डेथ होती है तो मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड ये होता है. तो उस टाइम पीरियड में जो भी आर्ट बनता है तो उसको हम बोलेंगे मुगल आर्ट. थोड़ा बहुत ब्रीफली हम विजयनगर के बारे में भी, विजयनगर आर्ट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे. तो विजयनगर आर्ट जो है ये 14 से लेके 16 सेंचुरी तक का टाइम पीरियड जो है विजयनगर एम्पायर का. इट वॉज ए डायनेस्टी ओवर द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. तो वहां पे जो है ये रूल कर रही थी तो उनका भी वहां पे कुछ साइट्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली सल्तनत, द आर्ट विद व्हिच इवॉल्वड इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स. That art and architecture which developed in India with the coming of Muslims, that art and architecture is known as the Indo-Islamic architecture. Indo-Islamic architecture. This Indo-Islamic architecture
is known as Indo-Islamic architecture because it was influenced both by the Indian ideas as well as the Islamic ideas. For example, बाहर से लोग आते हैं, they were believing in the Islam. अब यहाँ पे जो है वो सारे कारीगर मजदूर वगैरह जो लेबर वगैरह जो है वो एम्प्लॉय तो लोकली करना था ना, तो दैट्स हाउ द आइडियाज ऑफ द इंडियंस गॉट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इन दोज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स इन दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट इज व्हाट इज नोन एज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर राइट नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर व्हाट आर द फीचर्स विच वर ब्रॉट by those Muslims into India and now we, you know and became the part and parcel of those buildings wo feature hame one by one pehle jo study karne hai for example dekhte hain with the arc and dome was employed in the buildings for the first time in India okay they used the material that is known as lime mortar was like the present is cement wagaira se jo aap chipkate ho ek dusre ke stones wagaira ya bricks wagaira That is known as lime mortar. This lime mortar was employed by the Turks, by these Muslims who came to India in their buildings. Okay, हम भी इस component के बारे में पढ़ रहे हैं, right? तो उसके बाद जो है, along with that, they also came with the various other features like there is a technique of decoration. Decoration technique, huh? That technique of decoration is known as arabesque. Arabesque was a technique of decoration which was employed in the building walls. For example, अगर ये building wall है, यहाँ पे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे ट्री ब्रांच होते थे तो यहाँ पे लीफ्स होगा यहाँ पे और लीफ होगा ऐसे ओके ऐसे लीफ होगा यहाँ पे तो फिर ये ऐसे हाँ ऐसे यहाँ पे लीफ सो विच एम्प्लॉयड ट्री ब्रांच ट्री लीफ्स एज ए डेकोरेटिव मटेरियल तो उस तरह से सजाना दीवारों को दैट इज नोन एज अरेबेस्क नाउ अनदर फीचर विच वॉज ऑल्सो यूज एज द डेकोरेटिव टेक्निक दैट इज नोन एज कैलीग्राफी Calligraphy. Calligraphy means a beautiful handwriting, but that handwriting was now in Arabic language. Arabic was the Islamic language. Arabic में आप beautiful जो decoration वगैरह कर रहे हैं ताजमहल पे आपने देखा होगा वहाँ पे क्या कैसे वो लिखा हुआ है that kind of या आपने कुतुब मीनार की दीवार पे देखा होगा कि कैसे वो लिखा हुआ है that is known as calligraphy, the beautiful handwriting in the Arabic language. Okay, there is one more technique of decoration that is known as Pottery is also one of the important decorative technique as far as the art and architecture of medieval sultanate is concerned. Pottery में यहाँ पे जो है black stones या marbles से ही अब decorate कर रहे थे walls को. That's known as Pottery technique of decoration. They also had, you know, there was also one important feature that was the water. Water was there inside the building premises. कभी कभी जो है जो डिजाइन बनता था वो वाटर स्ट्रीम्स बिल्कुल उसके बीच में से चलते थे उस गार्डन के बीच में से या उस बिल्डिंग के बीच में से इट वाज आल्सो ए फीचर प्लस दिस मेडिवल इंडियन रूलर्स दिस सल्तनत रूलर्स दे अवॉइडेड द यूज ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंड एनिमल फिगर्स इन द बिल्डिंग्स व्हिच दे कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे कंसीडर्ड दैट अनइस्लामिक ओके They considered that un-Islamic. तो ideal worship के खिलाफ है ना इस्लाम तो आप वो ये नहीं मतलब वो जो है any kind of human representation on or the animal representation on the walls as a decorative material was avoided. That was not used at all. Okay. There is one more feature that is known as jali. Jali वो window जैसी एक वो structure होता है लेकिन उसमें जो है छोटे छोटे ऐसे मतलब you know if this is a window ऐसे now तो यहाँ पे जो है ऐसे जाली होगी है ना ऐसे जाली होगी ऐसे ऐसे वो जाली टाइप की ऐसे विंडो होती है तो उसको बोलते हैं जाली दिस जाली वॉज एम्प्लॉयड ऑल्सो बाय द दिल्ली सुल्तान्स एंड चार बाग पैटर्न वॉज एम्प्लॉयड ओके चार बाग पैटर्न जो है वो चार हिस्सों में एक गार्डन को डिवाइड किया जाता दैट्स व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस Indo-Islamic architecture. This Indo-Islamic architecture was continued by the Mughals as well later on, and this Indo-Islamic architecture influenced the Vijayanagara art as well. Okay, Vijayanagara art as well. Now, this is what is known as the Delhi Sultanate or the Indo-Islamic architecture. Okay, अब कौन-कौन से buildings उन्होंने बनाए तो वो जो है थोड़ा बहुत information आप अपने दिमाग में रखिए. ये जरूरी है. वो किसने क्या बनाया? मेरे ख्याल से UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको ये इन्फॉर्म करूंगा कि विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स
in India, or with the establishment of Delhi Sultanate in India, what did they do? मतलब उन्होंने क्या किया फिर यहाँ पे उन मुस्लिम्स ने? सबसे पहले जो है they started to construct few mosques, मस्जिद उन्होंने बनाई थी. okay, तो मॉस्क जो है उससे पहले भी इंडिया में थी. मॉस्क सबसे पहले, सबसे पुरानी मॉस्क इंडिया में केरला में है, क्योंकि वो पहले ही मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम्स. तो इसका मतलब ये नहीं कि 1206 में उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश अपनी हुकूमत की तो मुस्लिम्स यहाँ पे आए ही नहीं थे. उनका कॉन्टेक्ट इंडिया के साथ उससे पहले भी था. एज ट्रेडर्स तो आए थे एज फार बैक यू नो एज इन द 18th सेंचुरी, जब वो केरला के कोस्ट पे आए थे. उसके बाद अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध भी हो गया था, लेकिन अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज नॉट कम्प्लीट, तो वो वहां से ही वापस चले गए थे. फर्स्ट टाइम 1206 में वो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट टाइम 1206 में यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू करता है. अब उसी ने दो मास्क बनाए, तो एक मास्क का नाम है कुवैतुल इस्लाम मास्क, राइट? कुवैतुल इस्लाम मास्क, कुवैतुल इस्लाम मास्क. देयर इज वन मोर मास्क विच इज नोन एज ढाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्योंकि ये कहते हैं कि ढाई दिन में ये बनाई गई. अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुवैतुल इस्लाम मास्क, कुवैतुल इस्लाम मास्क एट दिल्ली, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर. दीज आर टू फर्स्ट मॉस्क स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान इन इंडिया. Then Qutubuddin Aibak ने जो है he also started the construction of Qutub Minar. Qutub Minar है, Qutub Minar तो आपने देखा होगा दिल्ली में, हाँ? इस तरह का structure which is having the tapering feature. Tapering feature is an important feature of the Qutub Minar. कि जैसे BS इसकी broad है, फिर ये narrow होता जा रहा है ऐसे-ऐसे, तो this is known as the tapering effect. This Qutub Minar made up of red sandstone, उसमें भी थोड़ी बहुत calligraphy है. इसकी height वाइट जो है वो ज़्यादा important नहीं है. Qutub Minar Qutub तीन ऐबक ने शुरू किया था, इसको कंप्लीट किया था उसके सक्सेसर ने, सन इन ला ने, उसका नाम है इल्तुतमिश, जो इसके बाद रूलर बनता है. ऑलराइट, देन यू नो व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, इल्तुतमिश डाइड, देयर इज वन मोर रूलर, अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे. इस दिल्ली सुल्तनत का एक इंपॉर्टेंट रूलर, उसने बनाया था एक स्ट्रक्चर इसी कुतुब मीनार के पास में, उसको बोलते अलाई दरवाजा. इट इज द गेटवे टू कुतुब मीनार. ओके, ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ सिटी ऑफ सिरी. ओके, होजी खास भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया है. ठीक है, इट इज अ वाटर टैंक स्ट्रक्चर एट दिल्ली. अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के सामने, सिटी ऑफ सिरी, बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू हैव अ सिटी सेफ फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन, उसके लिए उसने सिटी बनाई दिल्ली के आसपास में, दैट इज द सिटी ऑफ सिरी. अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो है यहाँ पे एक और रूलर आ जाता है, उसका नाम तुगलुक डायनेस्टी फिर आती है ना. दिल्ली सल्तनत वॉज रूल्ड बाई द वेरियस हाउसेज. वन हाउस वॉज इलबेरी हाउस, अनदर वॉज द तुगलुक हाउस, खिलजी हाउस, ऐसे बहुत सारे हाउसेज थे. तो ऐसे जो है एक टाइम पे एक हाउस था, उसको बोलते तुगलुक हाउस. गियाजुद्दीन तुगलुक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलुक डायनेस्टी विच वॉज ए सब डिविजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. गियाजुद्दीन तुगलुक ने जो है एक सिटी बनाई, सिटी का नाम है तुगलुकाबाद. वट? तुगलुकाबाद, तुगलुकाबाद, इट इज इन दिल्ली. सिटी ऑफ तुगलुकाबाद वॉज फाउंडेड बाई गियाजुद्दीन तुगलुक. मोहम्मद तुगलुक जो है जो इसके बाद आया, तो उसने कोई खास बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि उसका माइंड कुछ दूसरे सेटअप का था. फैरोज तुगलुक एक ऐसा रूलर था जिसने कुछ सिटीज बनाई, फॉर एग्जाम्पल सिटी ऑफ जौनपुर, सिटी ऑफ फैरोजाबाद, फतेहाबाद, फैरोजपुर, दो सिटीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय फैरोज तुगलुक. देयर स्ट्रक्चर्स वर सिंपल, दे वर नॉट एज इलाबोरेट एज कॉम्प्लेक्स एज वर द बिल्डिंग्स मेड बाय दिस कुतुबुद्दीन ऐबक और बाय द अलाउद्दीन खिलजी, बट स्टिल दे बिल्डेड फ्यू थिंग्स इन इंडिया. ओके, फैरोज तुगलुक ने यहाँ पे यू नो कुतुब मीनार एक टाइम पे लाइटनिंग से खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर किया फैरोज तुगलुक ने. उसने बहुत कुछ, फैरोज तुगलुक इज ए पर्सन हु इज नोन फॉर द पब्लिक वेलफेयर मेजर्स. डेम्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स बनाना, सिटीज बनाना, तो इसमें जो है उसने पूरा लाइफ जो है अपना अपनी वो डिवोट कर दी. देन आफ्टर फैरोज तुगलुक देयर केम द अनदर हाउस, सईद डायनास्टी सईद हाउस आया. उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया. फिर लोधी हाउस LODHI लोधी हाउस. फिर उसी लोधी हाउस को बाबर ने रिप्लेस करके यहाँ पे मुगल डायनास्टी की शुरुआत की थी. लोधी हाउस का इंपॉर्टेंट रूलर है सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. सिकंदर लोधी के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने यहाँ पे जो है एक सिटी बनाई, सिटी ऑफ आगरा. आगरा इज फाउंडेड बाई सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी, ओके, सिकंदर लोधी जो है अब लोधीज ने यहाँ पे कहते हैं कि टाइल्स लाए हैं, टाइल, यूजेज ऑफ टाइल्स एंड
more important thing is that the use of double domes. Use of double domes. This double dome feature is an important feature which was brought to India by the kisne ya? Lodhis ne. Okay? Lodhis ne. Lodhis were actually the branch of Afghans who came to India. Alright, so this was all about Delhi Sultanate architecture. Ab Mughal architecture jo hai, Mughal architecture, Mughals were also the great master builders. They also established various things. Jo bhi maine aapko Indo-Islamic architecture ke features bataye, same can be applicable to the Mughal architecture as well, except this thing that there was one more addition. Mughals ke baare mein sabse important ek feature ye tha ki they established their buildings on the huge platforms. On the huge platform. So, yahan pe fir wo apni buildings banate the. Huge platform. Aur inhone water pe zyada zor diya. Fountains were built. Running stream of waters were built inside that garden jo bhi unhone banaye the. Aur jo bhi unhone buildings banaye, unhone ye ensure kiya ki ek building jo hai kahan honi chahiye? Inside a huge garden. Pehle garden ke bilkul center pe jo hai wo building banate the. Okay? Ab Mughal se pehle यहाँ पे एक छोटा मोटा रूलर और था, उसको बोलते हैं शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी वाज एन पावरफुल रूलर ऑफ द सूर डायनास्टी. शेरशाह सूरी ने 5 साल ही हुकूमत की. उसने भी कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं. शेरशाह सूरी के बारे में जो है 2-3 चीज़ें उसने बनाई है. एक चीज़ है पुराना किला जो दिल्ली के जू के आसपास है, वो पुराना किला बनाया है शेरशाह सूरी ने. ओके, फिर शेरशाह सूरी ने अपना ही मज़ार, अपना ही मुसोलेम बनाया ससाराम में. ससाराम इज़ अ प्लेस इन बिहार. तो वहां पे उसने अपना मिसोलियम बनाया, रेस्टिंग प्लेस बनाया. तो उसने वो क्या किया, और शेरशाह सूरी ने ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड वेरियस रोड्स, रिपेयर्ड वेरियस रोड्स. वन इंपॉर्टेंट रोड इज द ग्रैंड ट्रंक रोड. ग्रैंड ट्रंक रोड. सो दैट वाज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट शेरशाह सूरी. अब मुगल डायनास्टी पे आते हैं. अब शेरशाह सूरी की डायनास्टी को खत्म करने के बाद हुमायूं ने यहाँ पे किसकी हुकूमत शुरू की, मुगल डायनास्टी की शुरुआत की. अब वो मैंने आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, कैसे बाबर आया, फिर बीच में थोड़ी देर 15 साल के लिए हुमायूं को हरा के यहाँ पे शेरशाह सूरी थोड़ी देर के लिए अपनी हुकूमत संभालता है, फिर हुमायूं वापस आ जाता है और उसको डिफीट करके यहाँ पे अपनी मुगल डायनास्टी की शुरुआत फिर से करता है आफ्टर विनिंग द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. ओके, वो फिर अकबर के, चलो दैट इज नॉट दैट, हम अभी कल्चर पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ मुगल्स ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड वेरियस बिल्डिंग्स, यू नो दे बिल्ड वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडिया. The first such structure which is very important and which is a very beautiful piece of architecture, first beautiful piece of architecture by the Mughals, that is the Himayu's tomb. Himayu's tomb. आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर जाइएगा. Himayu's tomb, the most famous building at Delhi. Okay, तो ये जो है this is a wonder, मतलब बहुत ही बढ़िया piece of art and architecture है. यहाँ पे जो है इसको तभी इसको UNESCO World Heritage Site का tag भी मिला हुआ है. Himayu's tomb, इसको Himayu's tomb को बनाया है हुमायूं की विडो ने, बनु बेगम ने. तो ये पहला structure उनका यहाँ पे, यहाँ पे भी हम, it is also known sometimes as the precursor to Taj, क्योंकि इसमें जो भी feature है वो हमें बाद में जाके ताजमहल में देखने को मिलते हैं. This was the time period of हुमायूं. उसके बाद अकबर आता है. अकबर ने भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आगरा फोर्ट. नाउ आगरा फोर्ट इज आल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब जो जो भी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना, उसका मतलब अब ये होता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मतलब देखने लायक वो जगह होती है. तो आगरा फोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट अमंग द मुगल्स. मुगल्स ने बहुत सारे फोर्ट बनाए, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, जो भी फोर्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है वो है आगरा फोर्ट, बिकॉज इट इज फेमस फॉर वेरियस थिंग्स. क्यों ये फेमस है, यहाँ पे एक ऐसा फोर्ट रहा है आगरा फोर्ट जहाँ पे सारे मुगल्स रहते हैं. अकबर भी यहाँ पे रहा, इनफैक्ट बाबर भी पहले यहाँ पे रहा, फिर हुमायूं भी रहा, अकबर भी रहा, जहांगीर भी रहा, शाहजहां भी रहा, औरंगजेब भी रहा. इनफैक्ट औरंगजेब ने भी अपने फादर को जो है शाहजहां को यहाँ पे कैद किया था, यहाँ पे ही उसने बंद किया था औरंगजेब ने. फिर वो शाहजहां इसी फोर्ट से अपनी बीवी के मकबरे पे देखता था, उस ताजमहल पे देखता था, क्योंकि जब आप आगरा फोर्ट जाओगे आपको इसके विंडो के पीछे से देखेंगे आप ताजमहल. ये जो है आगरा फोर्ट के पास में ही ताजमहल भी है, आगरा फोर्ट के पास में ही टॉम ऑफ इतिमुद्दा दौला भी है. तो ये आगरा फोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स, तो आगरा फोर्ट को आपको समझना ही पड़ेगा. बिकॉज आगरा फोर्ट, मैंने कहा ना आपने रेड फोर्ट देखा होगा, लेकिन आगरा फोर्ट अगर नहीं देखोगे तो आपने बहुत कुछ मिस किया होगा. ठीक है,
Now this Agra fort, as I told you, was established by this Akbar. अब जो है अकबर के टाइम के बाद इसको और इम्प्रोवाइज किया जहांगीर जहांगीर ने भी और शाहजहां ने भी. और अकबर के बाद जो है अकबर अकबर ने आगरा फोर्ट के साथ साथ एक सिटी बनाई फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी को उसने कैपिटल बनाया था ना, फतेहपुर सिकरी आफ्टर विनिंग ओवर गुजरात. तो अकबर के बाद जो है उसका बेटा सन यहाँ पे किंग बनता है जहांगीर. जहांगीर ने थोड़ा वो गार्डन बनाया, एक गार्डन है शालीमार गार्डन इन कश्मीर, वो उसने बनाया है. तो उसने एक फोर्ट उधर लाहौर वगैरह भी बनाया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. बट ही व्हाट ही डिड, ही कंप्लीटेड द टॉम ऑफ अकबर. अकबर टॉम इज एट वेयर, सिकंदरा. सिकंदरा इज अ प्लेस इन आगरा, तो वहां पे उसका टॉम है, तो उसको कंप्लीट किया जहांगीर ने. आर्दो दैट वाज प्लानड बाय अकबर हिमसेल्फ. ऑलराइट, तो जहांगीर के बाद जो रूलर बनता है यहाँ पे, अब नूरजहां की बात आती है. नूरजहां वॉज ए वाइफ ऑफ जहांगीर. नूरजहां ने जहांगीर से पैसे लेके क्या बनाया होगा, एक स्ट्रक्चर बनाया अपने फादर के लिए, अपने बाप के लिए. क्या बनाया था, टॉम. उसका वो टॉम बोलते हैं उसको, टॉम ऑफ. उसके फादर का नाम था इतिमादुद्दौला. ये तीनों चीजें एक ही जगह है, विद इन 3-4 किलोमीटर ऑफ रेंज. कौन कौन सी चीज है, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड टॉम ऑफ इतिमादुद्दौला. देन वी हैव ऑल्सो द फतेहपुर सिकरी, वी हैव ऑल्सो द सिकंदरा. ये सब आगरा के आसपास में ही है, विद इन 30-40 किलोमीटर रेडियस में है. ओके, ताजमहल से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर दूर है आगरा फोर्ट, 1-2 किलोमीटर दूर है टॉम ऑफ इतिमादुद्दौला. फिर अब 40 किलोमीटर की दूरी पे होगा आपका सिकंदरा, 34 या 40 किलोमीटर की दूरी पे और होगा फतेहपुर सिकरी. देर वॉज दैट वॉज द मेन हब. दिल्ली का तो तब नाम ही नहीं था, दिल्ली बाद में जाके यहाँ पे उनका यहाँ पे सेंटर बनता है. तभी उनका पूरा अटेंशन जो था वो आगरा था. ठीक है, अब जहांगीर के बाद कौन सा रूलर बनता है, शाहजहां. राइट, जहांगीर के बाद जो रूलर बनता है शाहजहां. शाहजहां रूल इज रिमेम्बर्ड एज द गोल्डन पीरियड फॉर द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड वेरियस मैसिव बिल्डिंग्स. आप इन्यूमरेट इन आप गिनते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, रेड फोर्ट एट दिल्ली वो भी शाहजहां ने बनाया है, ऐसी सिटी ऑफ शाहजहां आबाद वो भी शाहजहां ने बनाया हुआ है. ठीक है, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, ऐसी जामे मस्जिद है दिल्ली वो भी उसने बनाया हुआ है. तो शाहजहां जो है, शाहजहां ने बहुत कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, बहुत कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे इंडिया में. ऑलराइट, देन दिस शाहजहां, शाहजहां के मरने के बाद औरंगजेब किंग बनता है. दैट औरंगजेब वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऑल्दो हिज टाइम पीरियड इज नोन फॉर वन माइनर थिंग, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीवी का मकबरा. बीबी का मकबरा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय औरंगजेब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब. वो दैट वॉज मेट फॉर हिज वाइफ. वो एक्चुअली देर वॉज अ पर्सन, ही वॉज नोन बाय द नेम ऑफ अजम शाह. उसका बेटा था, तो उसने अपनी माँ के लिए वो बीबी का मकबरा जो है उसको सुपरवाइज किया. ऑलराइट, इतना समझ आया आपको. नाउ सी, देर वर फ्यू आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज एट द रीजनल लेवल एज वेल, एट द रीजनल लेवल एज वेल. तो रीजनल लेवल पे भी कुछ चीजें उन्होंने जो है यहाँ पे बनाई है. ऑलराइट, एट द रीजनल लेवल फॉर एग्जाम्पल वी हैव बंगाल. ओके, नाउ वी हैव बंगाल. बंगाल में कुछ स्ट्रक्चर्स, मतलब यू नो व्हेनेवर डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट्स डिक्लाइंस, इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू वेरियस प्रोविंशियल लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को डिक्लाइन होने के बाद, दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत को डिक्लाइन होने के बाद ये इट डिसइंटीग्रेटेड एंड इट वॉज डिवाइडेड, इट गॉट डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स. वन पार्ट वन स्टेट इंटू वेरियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज डिवाइडेड इंटू बंगाल. बंगाल एक रीजन, उसने बोला मैं आई नो नॉट अंडर द दिल्ली सल्तनत किंग हु वॉज लिविंग एट दिल्ली. फिर जो है बंगाल के रूलर ने बोला मैं भी नहीं कर रहा हूँ. ऐसे मालवा के रूलर ने, जौनपुर के रूलर ने, तो उन्होंने अपने अपने लेवल पे, अपने प्रोविंशियल रीजनल लेवल पे जो है इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करने की कोशिश की. इसी दौरान जो है दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के बाद बंगाल में एक इंपॉर्टेंट मॉस्क बनती है, उसको बोलते हैं अदीना मॉस्क, ADINA अदीना मॉस्क. ठीक है, ऐसे ही जौनपुर का नाम भी आपने सुना होगा, जौनपुर द सिटी विच वॉज फाउंडेड बाय फैरोज तुगलक. उसने भी फिर बाद में जाके जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया अपने आप को, अपने स्टेट को. तो वहां पे जो किंगडम रूल आती है इस जानपुर पे जो रूल करती है डायनास्टी, दैट इज शिरकी डायनास्टी ऑफ जौनपुर. तो इन्होंने इस जौनपुर के आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है. दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दैट कल्चरल एक्टिविटीज दिस शिरकी
dynasty of Janpur, it was remembered all over the world as the Shiraz of India. इसको कहा जाता था Shiraz of India. Shiraz is something which is a very prestigious thing. But Shiraz of India इसको declare किया Janpur को. ऐसे ही Bijapur. Bijapur भी एक ऐसी state थी. Okay, Bijapur, which is in the present a place in the present state of Karnataka. तो वहाँ पे भी बीजापुर में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो ऐसे ही बीजापुर में एक स्टेट है, एक 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 चीज है, उसको बोलते हैं गोल गुंबज. क्या बोलते हैं? गोल गुंबज. गोल गुंबज इज अ प्लेस इन बीजापुर. तो गोल गुंबज क्या है? इट इज अ टॉम, इट इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ आदिल शाह. आदिल शाह वाज द किंग ऑफ बीजापुर. तो उसने ये गोल गुंबज बनाया, तो अपने मतलब वहां पे उसकी मयत है, वहां पे वो दफन है. He's buried there. All right. Then एक छोटी सी डायनास्टी और थी, विजयनगर एम्पायर. विजयनगर डायनास्टी, कृष्णदेवराय का नाम सुना होगा आपने. पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द विजयनगर डायनास्टी. ये रूल कर रहा था कहाँ पे? आजकल के तेलंगाना एरिया इसका हब था. तो आजकल का जो देर वॉज ए रिवर, रिवर तुंगभद्रा. तुंगभद्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर. तो उस तुंगभद्रा के बैंक्स पे एक कैपिटल थी इनकी, विजयनगर रूलर्स की, दैट इज हम्पी. अब इस हम्पी में, इस हम्पी के आसपास उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे. फॉर एग्जाम्पल विथला स्वामी टेम्पल. ओके, विथला स्वामी टेम्पल, हजारा रामा स्वामी टेम्पल. सो दैट इज वाई दिस हम्पी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनाइटेड नेशंस. ओके, बाय द यूनेस्को. ओके, तो ये हम्पी आप याद रखिएगा, वहां पे जो भी स्ट्रक्चर्स है दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सॉरी. So this is what is important as far as the medieval Indian art and architecture is concerned. You don't have to remember more than that. Now we will come to the modern art and architecture. Modern art and architecture. This was all important for the as far as the medieval art and architecture is concerned. ये तो medieval art and culture में बहुत कुछ ज़्यादा important है, लेकिन यहाँ पे हमें art के बारे में ही बात करनी थी. हम of course literature और बाकी scientific developments के बारे में भी बात करेंगे, वो अलग सा component है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले भी क्या करेंगे, modern art के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम. Modern art is that art which came to India with the coming of Europeans. And you know that among the Europeans who was the first to came to India, they were the Portuguese. Portuguese ने यहाँ पे वहाँ पे traditions लाए, Europe के traditions सबसे पहले India में जो लाते हैं वो है Portuguese. उन्होंने गोवा वगैरह में जो भी वो churches, cathedrals वगैरह बनते हैं, तो वो Portuguese की वजह से ही वहाँ पे सबसे पहले वो structures बने. Then Portuguese के बाद जो है यहाँ पे जो आते हैं Portuguese के बाद, वो आते हैं French. फ्रेंच ने कुछ सिटीज बनाए, जैसे उन्होंने बनाया पोंडिचेरी सिटी. इट वाज फाउंडेड बाय, एस्टैब्लिशड बाय फ्रेंच. पोंडिचेरी वाज इनफैक्ट देयर कैपिटल फॉर अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. पोंडिचेरी जो है उन्होंने फ्रेंच ने बनाया है. तो इसके बाद जो है उन्होंने एक सिटी और बनाई, चंदननगर. आप स्पेलिंग देख लेना, इट इज इन वेस्ट बंगाल. तो वहां पे भी ये सिटी भी उन्होंने एस्टैब्लिश की है. ओके, चंद्रनगर वेस्ट बंगाल. तो वहां पे भी इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, टेंपल्स, ये सॉरी दिस चर्चेस वगैरह पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था. कुछ म्युनिसिपल बिल्डिंग्स भी उन्होंने बनाई है वहां पे मद्रास एरिया में. सो दैट इज व्हाई दिस फ्रेंच आर्किटेक्चर हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया एज वेल. आफ्टर द फ्रेंच नाउ केम द ब्रिटिशर्स. Now Britishers also came up with their own ideas which were already existing in the Europe. That is known as the Gothic style of architecture, Gothic art, or sometimes it's also known as Indo-Gothic art. It was not solely Gothic. It was not solely European. It was also influenced by the Indo-Indian ideas. It was influenced by the Indo-Islamic architecture which was already existing in India. It's also known as the Indo-Gothic art which came to India with the coming of the Britishers. And when the Britishers were able to establish their hold all over the country, they were able to establish the various buildings. Ab baaki dynasties jo hai, French wagera, Portuguese, wo to chale gaye, unko haraya isi Britishers ne. To abhi jo hai, ab unhone shuruaat ki yahan pe kuch buildings banane ki. Ab isse inki buildings ka jo in Britishers ne yahan pe banaya, inki buildings ka ek important feature ye tha, they established the very large and elaborate building complexes. छोटी छोटी buildings नहीं बनाई थी उन्होंने. जिस area में जाते थे तो उन्होंने जो है they established very huge buildings and elaborate buildings. Okay? They established huge and elaborate buildings and the material which was used by them, it was mostly red sandstone. Red sandstone was the most important material which was used by them. Okay,
Then they also used sometimes limestone. Coarse limestone was also used as a material by them. So ये तो ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे फीचर्स थे. फॉर एग्जाम्पल जो है उन्होंने जो है मार्बल भी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश किया अपनी बिल्डिंग्स में. लेकिन दिस यू नो अब मार्बल तो लाइमस्टोन से ही बनता है. रेड स्टोन जो भी आप देखोगे दिल्ली वगैरह में एरियाज में उनकी बिल्डिंग्स, तो आप देखोगे कि रेड स्टोन विल बी देयर फॉर श्योर. ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल जो है ब्रिटिशर्स की सबसे पुरानी बिल्डिंग जो ने पहले बनाई थी. वन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इज विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस. इट इज अ पैलेस, इट इज इन कोलकाता. आप कोलकाता के बिल्कुल हार्ट में है विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस. तो ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बनाई है. तो वहां पे कोलकाता में ही उन्होंने एक कैथेड्रल भी बनाया, उसको बोलते हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल एट कोलकाता. दीज आर द टू अर्ली बिल्डिंग्स बाय व्हिच वर एस्टैब्लिशड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया. देन ये रही कोलकाता की बात. अब 1911, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज इन 1911 दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. अब 1911 में जो है वो कैपिटल अपने शिफ्ट करते हैं दिल्ली. और यहाँ पे फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट एक पर्सनैलिटी होती है, आर्किटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एडवर्ड लुटियंस. क्या बोलते हैं? एडवर्ड लुटियंस वाज असिस्टेड आल्सो बाय, देयर वाज आल्सो हर्बर्ट बेकर उसका नाम था. ओके, ही वाज असिस्टेड बाय व्हिच हर्बर्ट बेकर. लेकिन आप हर्बर्ट बेकर को छोड़ दीजिए, आप पहले एडवर्ड लुटियंस पे ही फोकस कर दीजिए. बेकर का रोल बहुत कम था, यहाँ पे एडवर्ड लुटियंस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा था. जो भी आप बिल्डिंग देखोगे, राष्ट्रपति भवन, सुकुदर बिल्डिंग, सो दोज बिल्डिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू द एडवर्ड लुटियंस. एडवर्ड लुटियंस ने जो है उस चीज पे ज्यादा फोकस किया है और सबसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया है उन्होंने कि एडवर्ड लुटियंस ने कि जो है नेचुरल लाइट आनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर में. तो वो वॉल्स जो है, वॉल्स वेर नॉट एज थिक एज वेर द वॉल्स ड्यूरिंग द केस ऑफ मुगल टाइम्स. ठीक है, लेकिन हर किसी ने तो देखा होगा ना वो बिल्डिंग्स. आप देखोगे कि वो डोम जो है कैसे, वो डोम उनका थोड़ा डिफरेंट है. दैट वॉज द बिल्डिंग्स डिजाइन बाय एडवर्ड लुटियंस, दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन आइडियाज. व्हाट? रोमन आइडियाज. दैट्स व्हाई वी ऑल्सो रेफर टू दोज बिल्डिंग्स एज द न्यू रोमन काइंड ऑफ, न्यू रोमन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स विच वर डिजाइन्ड बाय एडवर्ड लुटियंस. एडवर्ड लुटियंस, ओके, एडवर्ड लुटियन का नाम याद रखोगे. जो भी आप ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग देखते हो जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, सो दोज बिल्डिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू एडवर्ड लुटियंस. ओके, ही वाज आल्सो असिस्टेड बाय हर्बर्ट बेकर वाज अनदर पर्सन. देन नाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में भी कुछ चीजें जो है कंटिन्यू रहती है. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर्ड अ फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर. What? Le Corbusier designed the city of Chandigarh. He was from France. He was Swiss French. Okay? Le Corbusier. Alright. Then, Le Corbusier, ऐसे एक और पर्सन होता है, उसका नाम होता है लोरी बेकर. लोरी बेकर का नाम सुना होगा ना आपने? लोरी बेकर ने बहुत एक इंपॉर्टेंट हाइस्ट आर्किटेक्ट अवार्ड भी लिया है. लोरी बेकर is also referred to as architect of the poor man houses. Isne jo hai Kerala mein bahut zyada kaam kiya hai. Lori Baker ne mass housing of Kerala was propagated by Lori Baker and eco friendly kind of designs were made by him so that the poor man could afford that. Bilkul natural like ecosystem environment ka khayal rakhke Lori Baker ne Kerala mein bahut sare houses banaye jo wahan ke gareeb logon ne fir baage jaake use kiye. This is what is important as far as a post independent architecture is concerned. So herein we have completed this one component, which was the Indian art. Okay, now we are coming to the second component.